देखिए क्या आवाज़ और वीडियो वगैरह क्लियर आ रहा है आप लोगों को? देखिए बताइएगा जरा, और सभी लोग जुड़ चुके हैं, काफी सारे लोग, रानी, चेतना, प्रमिला, राशि राणा, योगेश तिवारी, अमिताभ गौतम, अमित भैया, अरुणा बिजलवान, संदीप अवस्थी, जावेद भैया, संगीता वर्मा, मंजू लता जी, सभी को भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। और देखिएगा अगर आवाज़ और वीडियो वगैरह क्लियर है, संगीता जी ने बता दिया क्लियर है, थैंक यू। चलिए तो अब सभी लोगों का स्वागत है और आज की क्लास स्टार्ट करी जाए। थोड़ा सा विलंब हुआ, वो लिंक कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो लिंक कभी कभी करप्ट हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आज फिर देखते हैं अगला फाइल जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सीलन डेटा हमारे हिसाब से पूरा हो गया है और बाकी एक आधे कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो फिर हम रिवीजन कराएंगे। अभी उसकी जो है सीलन डेटा की आपकी जैसे चल रहा है हर फाइलम के बाद महा रिवीजन क्लास, तो ऐसे सीलन डेटा की भी महा रिवीजन क्लास होनी है ना, तो आप लोगों को उसमें सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। अब आप लोग फिलहाल का काम यह है कि सीलन डेटा फाइलम को अच्छे से तैयार करिए, सीलन डेटा पढ़िए, ओबेलिया पढ़िए, आरेलिया पढ़िए, हाइड्रा पढ़िए, ठीक है, कोरल रीफ पढ़िए, क्लासिफिकेशन तैयार करिए, पूरा सीलन डेटा अच्छे से तैयार करिए। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या जिन जिन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है वो हमें व्हाट्सअप करते रहिए, जब उसकी महा रिविजन क्लास लगेगी तो उसमें हम आपके डाउट भी इंक्लूड करते हैं, उनको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी समस्याएं हो आप भेजते रहिए, पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से अच्छे, अभी एक दो दिन का समय लगेगा, तब उसके बाद जब करेंगे क्लास तब तक आप लोग भी पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है हमारे क्लास लेने से पहले आप लोग सीलन डेटा का अच्छे से अपने आप रिवीजन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, जो भी डाउट होंगे वो हमें भेज देंगे और उसके बाद हम उसका पूरा रिवीजन करके फिर सीलन डेटा को फिर से एक बार फिनिश करेंगे, ठीक है। वो लंबी क्लास जैसे लगती है, प्रोटोजोआ में लगी थी, पोरीफेरा में लगी थी, वैसी लगेगी। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज थोड़ी स्लो बता रहे हैं जाविर भैया, क्या ऐसा सभी के साथ है या जाविर के ही साथ है? जाविर जी को आवाज स्लो लग रही है और सबको भी स्लो लग रही है, देख लीजिएगा। फिलहाल इधर से तो फुल दिखा रहा है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, और देख लीजिए सब लोग आवाज सही है, क्लियर है, ठीक ठीक एक आधे लोगों में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सीलन डेटा वाला टास्क आप लोग समझ गए ना, आपको वैसे टास्क पूरा करना है, बाकी जो हमारा टास्क बचा है वो हम कर लेंगे, ठीक। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फाइलम प्लेटी हेलमेंटी, फाइलम प्लेटी हेलमेंटी, काफी कुछ नया शुरू होने वाला है इस फाइलम से, जो अब नई नई चीजें शुरू होंगी जो अभी तक आपने नहीं देखी थी वो चीजें भी स्टार्ट होंगी। अभी तक आपने प्रोटोजोआ पढ़ा वो तो एक ही सेल का था, है ना, ए सेलर था, सिंगल सेल थी, उसी से बना हुआ उसकी बॉडी थी, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। फिर उसके बाद पोरीफेरा पढ़ा, सीलन डेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, तो पोरीफेरा, सीलन डेटा, टीनोफोरा, ये सारे फाइलम जो आपने पढ़े ये सब डिप्लोब्लास्टिक थे, द्विस्तरी थे। पहली बार जो है यहां से शुरू हो रहा है, अगर बफरिंग हो रही है तो क्वालिटी कम कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी कम कर लीजिए, बफरिंग नहीं होगी। तो पहली बार जो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये पहला फाइलम है जो हम लोग देखेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि जो बॉडी डिराइव होगी वो थ्री प्राइमरी जर्नल लेयर से डिराइव होगी, और तीनों प्राइमरी जर्नल लेयर किस स्टेज में बनती है, किस एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है, गैस्ट्रुला में। तो यहाँ पर जब गैस्ट्रुला स्टेज आएगी तो गैस्ट्रुला में आप देखेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों प्राइमरी जर्नल लेयर, तीनों प्राथमिक जर्नल स्तर बनेंगे और उन थ्री प्राइमरी जर्नल लेयर से पूरी बॉडी डिराइव होगी। तो ये पहला हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट नहीं हो रही है तो सुमन जी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान ना होइए, लिख दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी सभी लोगों में लगभग क्लियर ही है। तो देखते हैं आगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और क्या क्या नया होगा आपके हिसाब से जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा इस फाइलम से, वो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। मिजोरम पहली बार आई, वेरी गुड राशि राणा जी, राशि फ्रॉम देहरादून, ओके, मिजोरम पहली बार स्टार्ट हुई है, अच्छी बात है। और भी बताइए पहली बार क्या क्या स्टार्ट हो रहा है जो अब तक आपने
पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा के बाद अब यहाँ आए हैं, तो यहाँ क्या क्या स्टार्ट हो रहा है वो सब आप लोग लिखिए, हम कमेंट में देख रहे हैं। ठीक है, तब तक हम आपको और कुछ चीज बताते हैं, नाम का अर्थ बता देते हैं। समझिए, सबको पता होगा प्लेटी शब्द जो एक ग्रीक वर्ड है, प्लेटी शब्द का मतलब क्या होता है? फ्लैट। और हेलमिंट शब्द का जो मीनिंग होता है वर्म, चपटे क्रम। ये चपटे क्रम होते हैं, जैसे आप अभी होली आने वाली है, होली में जैसे पापड़ बनाते हैं चपटा चपटा, तो पापड़ की तरह चपटे चपटे, या जैसे पत्ती होती है लीफ लाइक, तो इस तरह के एनिमल होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट वर्म्स होते हैं। और बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आने लगे। बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम, मीजोडर्म, टिश्यू ऑर्गन, ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल गैंग्लियन, बायलेटरल सिमेट्री, सिफिलाइजेशन। वेरी गुड, लगभग सारे पॉइंट आप लोगों ने क्लियर कर दिए। ठीक है, ये सब कुछ पहली बार देखने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म यहाँ पर डिराइव हुई है, मीजोडर्म आई है यहाँ पर, पहली बार इवाल्व हुई है मीजोडर्म। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर, अभी तक वो रेडिएटा था, रेडियल सिमेट्री थी, अब यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री आई है, यानी एक इक्वल हाफ से बॉडी, एक वर्टिकल प्लेन से बॉडी को दो बराबर इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, दायां भाग बायां भाग, बीच से काटे तो दायां भाग बराबर बायां भाग, इस तरह से एक सिमेट्री आ गई है, जैसे हम लोगों में भी होती है ना, बताया था बीच से काटे तो एक कान इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, तो ऐसे ये सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री आई है, बिल्कुल सही बात। अब ये सब लोग बताने लगे, ये सिलोमेट, ये सब नहीं पूछा, हमने पूछा था क्या नया आया है आपने। और राजेंद्र जी तो बिल्कुल गलत है भाई, स्यूडो सिलोम नहीं, ए सिलोमेट कहिए। ठीक है, और अभी आपको बताना था क्या क्या पहली बार आया। अच्छा, आप लोगों ने बताया, तो इस फाइलम में पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ, फ्लैट वर्म कहलाते हैं, चपटे क्रम कहलाते हैं, और लगभग 13,000 के करीब जातियां हैं। ठीक है, 13,000 के करीब लिविंग स्पीसीज इस फाइलम में है, किस फाइलम में? प्लेटी हेलमेंथीज में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 13,000 के करीब जातियां इसमें हैं। और ये जो प्लेटी हेलमेंथीज का नाम है, प्लेटी हेलमेंथीज ये किसने रखा, ये आप लोग लिख देंगे, प्लेटी हेलमेंथीज का नाम, प्लेटी हेलमेंथीज किसने रखा, प्लेटी हेलमेंथीज का नाम, प्लेटी हेलमेंथीज किसने रखा। और आगे हम जब बात करेंगे तो पहले बात करेंगे इनके हैबिटेट पर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा, बहुत बड़ा पॉइंट है इनके क्लासिफिकेशन में भी, क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे लास्ट में, तब प्लेटी हेलमेंथीज का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा इनका हैबिटेट, तो हैबिटेट पे बात करेंगे। प्लेटी हेलमेंथीज टर्म किसने दिया? गिगन बार। ठीक है, वेरी गुड, गिगन बार। अलग अलग बुक में अलग अलग स्पीसीज का नंबर होता है, कोई सी दिक्कत की बात नहीं, आपसे इतना कोई डाटा पूछने नहीं जा रहा, बाकी आप लगभग मोस्टली आपको 13,000 ही मिलेगा। कुछ एक्सटिंक्ट भी होती हैं, वो भी इंक्लूड कर देते हैं, कहीं कहीं विलुप्त वाली भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट जो है इस पे आपको ध्यान देना है। और ये जो से आपने नाम बताया, ये जो प्लेटी हेलमेंथीज नाम था, ये गगन बार, वैज्ञानिक का नाम नोट कर लीजिएगा, गगन बार, गगन बार ने जो है, गगन बार ने इसका नाम रखा प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज का नाम, टर्म दिया गगन बार ने। और हैबिटेट पे आते हैं तो आपको जो यहाँ प्लेटी हेलमेंथीज के जो तीन क्लास हैं वो आपको पता होंगे, तीन बहुत डिस्टिंक्ट इसके क्लास हैं। इस फाइलम को तीन वर्गों में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है, इसमें यही हैबिटेट देखा गया है, बॉडी में सीलिया है या नहीं है वो देखा गया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आधार पर देखा गया है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आधार पर, एलिमेंट्री कैनाल के आधार पर, सीलिया के आधार पर, और उनके हैबिटेट के आधार पर ही इसको क्लास, इसको फाइलम को तीन क्लास में बांटा गया है। तो तीन क्लासों के नाम तो आपको पता ही होंगे, तीन क्लासों के नाम तो पता ही होंगे, लिखिएगा तीनों क्लासों के नाम और उसी के आधार पर इसका हैबिटेट देखेंगे। तो कुछ इसमें से आपको दिखेंगे फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। ठीक है, फिर कुछ आपको दिखेंगे इसमें एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, कुछ आपको दिखेंगे एंडोपैरासाइट, और कुछ आपको दिखेंगे एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। समझ रहे हैं, तो कुछ फ्री लिविंग दिखेंगे जो स्वतंत्र जीवी होंगे, फ्री लिविंग का मतलब स्वतंत्र जीवी, जो किसी के अंदर घुस के नहीं रहते, अपना फ्री रहते हैं, मुक्त जीवी जिन्हें बोलते हैं, तो कुछ फ्री लिविंग दिखेंगे और कुछ जो है आपको एक्टो और एंडो दोनों तरह के पैरासाइट दिखेंगे, और कुछ आपको एक्टो मतलब पूरी तरह से एंडो पैरासाइट ही दिखेंगे, जो अंदर रहते हैं, अंतः परजीवी। एक्टो पैरासाइट माने बाह्य परजीवी। ठीक,
वेरी गुड, सभी लोगों ने क्लास बता दिए हैं, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर लगभग सही है, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। तो जो पहला टर्बुलेरिया है, टर्बुलेरिया पे आप ध्यान दीजिएगा, टर्बुलेरिया या इन्हीं को हम प्लेनेरियन बोल देते हैं, इन्हीं को हम प्लेनेरियन, टर्बुलेरिया में आता है जीव प्लेनेरिया, तो इसीलिए टर्बुलेरिया को हम प्लेनेरियन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे प्लेनेरियन, तो प्लेनेरियन अगर की बात कर रहा है तो टर्बुलेरिया की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो टर्बुलेरिया या इनको हम प्लेनेरियन कह सकते हैं। टर्बुलेरिया या प्लेनेरियन जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपका जो एनिमल आता है वो आप सभी लोगों ने देखा होगा इस तरह से, ऐसे ऐसे ये जो एनिमल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 20 से काटे तो दायां भाग बराबर हो जाएगा बाएं भाग के, ये हाफ इक्वल ये हाफ के हो जाएगा, इस जीव का नाम लिख दीजिएगा। तो ये प्लेनेरिया या उसका दूसरा नाम डुजेसिया, बिल्कुल सही बात अमित भैया, प्लेनेरिया को ही डुजेसिया कहते हैं, और प्लेनेरिया या डुजेसिया इसमें आते हैं, इसलिए इनको टर्बुलेरिया को प्लेनेरियन भी कॉमनली कह दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे इसका नाम लिखेंगे प्लेनेरिया डुजेसिया, आप लोगों ने बताया ये फ्री लिविंग है। फिर उसके बाद देखते हैं ये आया टर्बुलेरिया में आ गया आपका, फिर उसके बाद किस तरह का हम बना रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी लोगों ने देखा होगा इसको, ये भी इसी का एक मेंबर है, और इस तरह के एनिमल्स होते हैं ये, इनकी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख रखी है, ठीक है। ये वाले ये आपके आगे किसमें, ट्रिमेटोडा में, ये इसके आपके आगे ट्रिमेटोडा में, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया टर्बुलेरिया, ये आपका कौन सा हो गया ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में जो आते हैं इनको कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स, इन्हीं को फ्लूक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे टर्बुलेरिया में जो आते थे इनको प्लेनेरियन कहा जाता था, ट्रिमेटोडा में जो आते हैं इनको फ्लूक्स कहा जाता है, ठीक है, क्रमिक, तो कॉमनली इनको क्रम कहा जाता है। इससे ये जैसे आपने हमने बनाया है ये लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक यानी फेशियोला हिपेटिका, ये क्या है फेशियोला हिपेटिका, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, ये फेशियोला हिपेटिका है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिमेटोडा के बाद टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सिस्टोडा। सिस्टोडा जो होगा इसमें जब हम लोग देखेंगे इसमें ज्यादातर जो आएंगे वो आपके टेप वर्म्स आएंगे, ठीक है। सिस्टोडा में जो आपके आएंगे वो मोस्टली टेप वर्म आएंगे, जो फीताक्रम होते हैं, तो फीताक्रम सब लोगों ने देखा होगा उसमें आगे का भाग सिर नहीं है लेकिन सिर जैसा ही होता है, ये सिर जैसा जो भाग होता है इसको आप सब लोग जानते होंगे क्या कहते हैं, सिर जैसा जो पार्ट होता है, और इसके बाद इसकी नेक होती है, और नेक के बाद इसका पूरा फीता होता है पीछे तक, ठीक है, काफी लंबा ये फीते जैसा होता है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर इसकी सब लोगों ने देख रखी है, ये आपका चिरपरिचित फीताक्रम है ना, फीताक्रम या टेप वर्म, ये क्या हो जाएगा टेप वर्म हो जाएगा। इसकी जो गर्दन है यहीं पर खंड बनते हैं, ये एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन या एरिया ऑफ स्ट्रोबाइलेशन आप बोल सकते हैं, और ये जिसका पूरा फीता है पीछे तक ये क्या कहलाता है स्ट्रोबिला कहलाता है, और इसके जो ये खंड हैं इन खंडों को आप प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है टेप वर्म, ये किसमें आते हैं सिस्टोडा में आते हैं, ठीक है, पीछे के खंड अलग होते हैं, वेरी गुड राजेंद्र वर्मा जी, इनको एपोलिसिस कहते हैं, एपोलिसिस इन पीछे के चार चार पांच खंड यहाँ से टूट टूट के अलग होते रहते हैं, इस फिनोमेना को एपोलिसिस कहते हैं, वो हम पढ़ाएंगे सारी चीज, जब एक एक करके पढ़ेंगे तब उनके अंदर घुसेंगे, अभी आज आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करिए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। तो सब पढ़ना ही है डिटेल से, अभी आपको इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे तो फाइलम प्लेटिनेंसिस के जो तीन क्लास है, पहला जो क्लास आपका है, पहला क्लास हमने यहाँ बताया टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया को कॉमनली कॉल्ड कहा गया प्लेनेरियन, और इस टर्बुलेरिया में आपको जो बताया था ज्यादातर आते हैं मोस्टली फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं, पानी में रह रहे हैं, तैर रहे हैं, इसमें भी ज्यादातर जो आपके होते हैं वो जो मराइन्स होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है, दोनों तरह के होते हैं। तो इसमें आपको जो मिलेंगे फ्रेश वाटर में, जैसे फ्रेश वाटर में जो मिलेंगे उनके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में तो यही खैर मिल जाएगा आपका,
डुजेसिया प्लेनेरिया ही, ये फ्रेश वाटर मिल जाएगा। और आपका जो मेराइन फार्म है वो मेराइन फार्म लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये आपका हो गया कौन सा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया या इसी को कहा गया डुजेसिया, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल फ्री लिविंग का, ठीक। और फ्री लिविंग रह रहा है, पानी में तैर रहा है, फ्रेश वाटर में है, मेराइन के लिख दीजिएगा आप लोग, मेराइन के, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा मेराइन कौन है। तो संगीता वर्मा जी ने बताया बिल्कुल सही, टर्बलेरिया जो है फ्री लिविंग है, टर्मेटोडा में फ्लूक्स है, वेरी गुड, और सिस्टोडा में आपने बताया टेपवर्म है। तीनों चीजें हमने बिल्कुल बताई, एकदम क्लियर पकड़ा आपने। और हम आप बात कर रहे हैं टर्बलेरिया में, और टर्बलेरिया में बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की और मैराइन की। पानी में फ्री तैर रहे हैं, फ्री तैरने में कुछ फ्रेश वाटर है और कुछ मैराइन है। तो फ्रेश वाटर में जैसे आप सब लोग जान ही रहे हैं प्लेनेरिया या डुजेसिया आ जाएगा, मैराइन में भी आप लोग कमेंट लिखिए, ठीक है। मैराइन में कमेंट लिखिए कॉन्वोल्यूटा, वेरी गुड। चलिए तो मैराइन पे आते हैं, फिर मैराइन के एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। मैराइन में आपका है थाइसेनो जून, थाइसेनो जून, टी एच वाई एस ए एन ओ जेड डबल ओ एन, जेड डबल ओ एन, ठीक है, थाइसेनो जून, ठीक है। तो थाइसेनो जून जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, गुरप्रीत भैया भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो नोट करिए आप लोग, थाइसेनो जून, टी एच वाई एस ए एन ओ जेड डबल ओ एन, थाइसेनो जून, ये कैसी फार्म है, मैराइन फार्म है, ठीक है। फिर कुछ इसमें आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थली भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्थल पर हो, जमीन पर हो, ऐसे भी प्लेटिहेलमिंथीज में ऐसे भी आपके हो सकते हैं ट्रिमेटोडा, ठीक है। अब हालांकि बहुत सारे होते हैं जो मेन मेन जो आपके फेमस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें बाइपेलियम है, एक ध्यान दीजिएगा, बी आई पी ए एल आई एम, बाइपेलियम, ठीक है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा बाइपेलियम, और एक जियोप्लेना, ठीक, बाइपेलियम और जियोप्लेना, जियोप्लेना का भी नाम नोट कर लीजिएगा, ये आपका टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा, बाइपेलियम और जियोप्लेना, ठीक है। तो बाइपेलियम और जियोप्लेना ये आपके आ गए किसमें, टेरेस्ट्रियल में। मैराइन में आ गया आपका थाइसेनोजून, थाइसेनोजून आ गया प्लेनेरिया या डुजेसिया, आपका आ गया फ्रेश वाटर में। तो हमने बात कर ली जो मेन मेन आपके एग्जाम्पल है किसके, मेन मेन एग्जाम्पल जो आपके हैं टर्बलेरिया के। तो टर्बलेरिया आपको देखने को मिले क्या, ये प्लेनेरिया, थाइसेनोजून, बाइपेलियम, जियोप्लेना, ये सब फ्री लिविंग रह रहे हैं। मेनली कैसे रह रहे हैं, ये फ्री लिविंग फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है, पैरासाइट मोस्टली नहीं है। अब इसके बाद हम जब फ्लूक पे आते हैं, तो फ्लूक में जब आते हैं तो ये देखते हैं ये क्या है पैरासाइट, सब लोग इसको पहचान रहे हैं, ये लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपेटिका है, और इसको भेड़ का लीवर फ्लूक, सीप लीवर फ्लूक कहते हैं, ये भेड़ के अंदर रहता है, सबने पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे भी डिटेल से, भेड़ में रहता है, फिर घोंघे में जाता है, स्नेल में जाता है, लिमनिया या प्लेनार्विस, कोई भी घोंघा हो सकता है, उसमें जाता है, तो स्नेल में जाता है, भेड़ में जाता है, डाइजेंटिक पैरासाइट है, जिसके दो होस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइजेंटिक, इसका एक होस्ट हो से मोनोजेनेटिक, जिसके तीन होस्ट हो से कहेंगे ट्राइजेनेटिक। तो फिलहाल ये डाइजेंटिक है, घोंघा, स्नेल और सीप में पाया जाता है। तो ये जो है आपका एंडोपैरासाइट है, ये आपका क्या है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे कि ये जो आपका, हम लोग कौन से देख रहे हैं आप, ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोडा में आपके क्या आ रहे हैं, फ्लूक्स आ रहे हैं। तो फ्लूक्स में हमने कौन सा देखा, फ्लूक में हमने देखा कौन सा, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपेटिका, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, लीवर रॉड डिजीज इन सीप, मोनिका सिंह जी बिल्कुल सही बता रही है, लीवर रॉड डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है, लीवर रॉड। और ये जो है फ्लूक जो है, ये लीवर फ्लूक जो फैसियोला हिपेटिका है, ये तो बॉडी के अंदर रह रहा है ना, तो बॉडी के अंदर रहता है, ये आपको पता होगा जो भेड़ का सीप का लीवर है, लीवर के अंदर जो पाइपें हैं, लीवर के अंदर पाइपें क्या होती हैं, बाइल डक्ट, उन बाइल डक्ट के अंदर रहता है, तो बाइल डक्ट के अंदर रहता है, यानी ये एंडोपैरासाइट है, जो आपकी बॉडी के बाहर होते हैं वो एक्टोपैरासाइट, जैसे जोंक मान लीजिए, लीच है, जोंक सब लोग जानते होंगे, चिपक जाती है और खून पी लेती है, वो बाहर से है, तो वो क्या हो गया एक्टोपैरासाइट, मच्छर आया आपका खून पी लिया, वो क्या है एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये तो एंडोपैरासाइट हो गया, तो एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल में आपका कौन सा हो गया, फैसियोला हो गया, ठीक है, एक तो फैसियोला हो गया, और एंडोपैरासाइट में और आप बता दीजिए,
और जो आपका फेमस फ्लूक है वो भी आप सब लोगों ने सुना होगा, ब्लड फ्लूक है ना, ब्लड फ्लूक जिसको सिस्टोसोमा मानसोनी बोलते हैं। तो सिस्टोसोमा आपका जो है सिस्टोसोमा या इसको पुराना नाम बिलहार्जिया, बिलहार्जिया भी चलता था। तो सिस्टोसोमा या बिलहार्जिया जो है वो ब्लड फ्लूक है, वो भी इसी में रहता है, वो भी शरीर के अंदर ब्लड में रहता है। तो वो भी क्या है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। तो आपको एंडोपैरासाइट मिल जाएंगे और तो ये आपका लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ये हो गया एंडो में। एक्टोपैरासाइट में एग्जांपल देख लीजिए, तो एक्टोपैरासाइट में यहां पर एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों ने लिखा नहीं, चलिए हम बता देते हैं। एक्टोपैरासाइट में एग्जांपल लिख लीजिए डिप्लोजून, इसका जो एग्जांपल है वो है डिप्लोजून। तो एक्टोपैरासाइट में नोट कर लीजिएगा डिप्लोजून, और एंडोपैरासाइट एक तो ये है ही है, ये क्या है, लीवर फ्लूक, और आपका दूसरा हो गया ब्लड फ्लूक। एंड ब्लड फ्लूक, ठीक। तो ट्रिमेटोडा आपको कैसे देखने को मिले, ट्रिमेटोडा आपको बाहर वाले भी मिले, बाहर शरीर से बाहर रहने वाले एक्टोपैरासाइट, बाहर से खाना लेने वाले, अंदर से खाना लेने वाले एंडोपैरासाइट, दोनों देखने को मिले। एक्टो में आपको कौन सा मिला, डिप्लोजून, ठीक है, वेरी गुड, डिप्लोजून एक्टोपैरासाइट। सिस्टोसोमा अपिस्थारकिस, वेरी गुड, ये सब आपके क्या है, एंडोपैरासाइट है, बिल्कुल सही बात आप लोगों ने बताई। तो ये आपके बात हो गई किसके बारे में, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा यानी फ्लूक्स के बारे में। फ्लूक्स में आपने लोगों ने क्या क्या देखा, फ्लूक्स में आप लोगों ने देखे कौन कौन, एक्टोपैरासाइट देखा कौन सा, डिप्लोजून, और एंडोपैरासाइट में आपका हो गया फैसियोला, हो गया ब्लड फ्लूक, हो गया, बाकी आगे देखेंगे ही। फिर आप क्या आ जाते हैं सिस्टोडा पर, सिस्टोडा यानी टेपर्म, ये जितने भी हैं फीताक्रम, जैसे चाहे ये आपका टीनिया सोलियम है, ये टेपर्म, एक टीनिया सेजिनेटा होता है ना, तो टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया सेजिनेटा हो गया, और ये जो टीनिया होता है ये सुअर में है। एक डार्क टेपर्म होता है, डार्क टेपर्म जो होता है उसे इकाइनोकाकस, क्या बोलते हैं उसे, इकाइनोकाकस, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, डार्क टेपर्म या इकाइनोकाकस। तो ये जो है जितने भी सिस्टोडा है, जितने भी सिस्टोडा यानी टेपर्म है, ये कभी भी आपको बॉडी के बाहर नहीं मिलेंगे। तो सिस्टोडा में जो आ रहे हैं सब बॉडी के अंदर होंगे, बॉडी के अंदर होंगे यानी एंडोपैरासाइट होंगे। तो इसीलिए यहां लिखा है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट कौन है, सिस्टोडा यानी कि टेपर्म, जितने भी फीताक्रम आते हैं जिनका शरीर रिबन लाइक फीते के जैसा होता है, ये आपके सभी के सभी अंतः परजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, इकाइनोकाकस आपका हो गया। चलिए तो ये बात आपकी हो गई टेपर्म, इकाइनोकाकस, ये सब बात हो गई इनके हैबिटेट की। तो पहले हम लोगों ने इनके हैबिटेट देखे, दूसरा पॉइंट अब आप देखते हैं, पहला हम लोगों ने हैबिटेट देखा, काफी लंबा पॉइंट था हालांकि, अब इसके बाद बात करते हैं बॉडी फॉर्म की, बॉडी फॉर्म, इनका शरीर की बनावट कैसी है। तो जैसे हमारे हाथ में देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसे रखा और इसको ऊपर से और इधर से दोनों हाथ से रख के इसको ऐसे कसके दबा दिया, जिसको दबाएंगे ऊपर नीचे से, मान लीजिए दबा करके एकदम पापड़ जैसा बन जाए, चपटा चपटा हो जाए, तो ये चपटा हो जाएगा। तो इस तरह से जो चपटा होता है ये ऐसे जब चपटा किया गया तो डार्सल और वेंट्रल से, जैसे अगर हम अपने को ही चपटा करने की बात करें तो आप हमारे एक हाथ इधर रखिए, किधर रखिए, और ऐसे दबा दीजिए दोनों साइड से, इस तरफ से दबा दीजिए। तो अगर इधर से दबा देंगे तो ये साइड क्या है, लेटरल, तो इधर से दबाएंगे तो लेटरली कंप्रेस हो जाएगा, लेटरली कंप्रेस नहीं करना है, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, तो ये वाला साइड डार्सल, ये वाला साइड वेंट्रल, और इस तरह से दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो बॉडी कैसी होती है, फ्लैट तो होती है, और याद रखेंगे डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बिल्कुल सही बात मोनिका जी कह रही है। इकाइनोकाकस स्मॉलेस्ट टेपर्म है, एक खंड, एक खंड आगे होता है, एक खंड पीछे होता है, जो मेच्योर होता है, बस दो ही पार्ट इसमें होते हैं। और तो इनकी शरीर में आप हम लोगों ने पॉइंट नोट किया कि इनकी बॉडी कैसी है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है, और शरीर चपटा सभी का है डार्सल वेंट्रल साइड से। और ये जो दो आर्म आपको दिख रहे हैं, देखिए ये सो लीफ लाइक है, ये देखने में पत्ती जैसे लगते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है फीताक्रम, ये किसकी तरह दिख रहा है, रिबन लाइक, तो ये रिबन लाइक दिख रहा है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, तो बॉडी फॉर्म या तो लीफ लाइक होगी, लीफ लाइक होगी तो ये पत्ती जैसा होगा, ये कैसा है, अनसेगमेंटेड,
ये कैसा अनसेगमेंटेड, ये कैसा है अनसेगमेंटेड, टर्मिनल एरिया और ट्रिमेटोडा अनसेगमेंटेड है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, खंडों में देखिए बटी हुई है, और बताया था आपको इन खंडों के नाम क्या है, प्रोग्लॉटिड, तो ये खंडों में बटी, इसकी खंडों में नहीं बटी हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, तो अगर बॉडी खंडों में नहीं बटी है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीफ लाइक, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, बॉडी फॉर्म लीफ लाइक हो सकती है, जैसे प्लेनेरियंस की, फ्लूक्स की, रिबन लाइक आपकी बॉडी किसकी हो सकती है, खंडों में जिसकी बटी है किसकी, सिस्टोडा की, और इन खंडों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड कहते हैं। कितने प्रोग्लॉटिड हो सकते हैं, तो अलग अलग संख्या होती है, जैसे आपका टेपवर्म जो है इसमें लगभग 800 के 850, इस तरह से 850 लगभग इसके आसपास आपके क्या होते हैं, प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोग्लॉटिड पाए जाते हैं। ये इसकी शरीर की बनावट हो गई। अब उसके बाद हमने बताया लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ये तो हालांकि डिस्कस ही हो गया, आप लोगों ने पहले बता दिया था, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन का स्तर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिए, सिलेंटेटा पढ़ रहे थे, वहां सेल्स बहुत थी और सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बनाया था बस, लेकिन वहीं तक शरीर था, टिश्यू भी था, आगे का डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पर आप पहली बार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और आगे डेवलपमेंट शुरू होगा, इंटेस्टाइन बनेगी, एक्सक्रीटरी तो सिस्टम ही बन जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा। तो सारे सिस्टम नहीं है, तो अगर सारे सिस्टम होते, इसमें काफी सारे सिस्टम होते जो मेन मेन चाहिए सभी, अगर वो सारे सिस्टम होते तो हम सीधे डायरेक्ट बोल देते कि ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन चूंकि सारे ऑर्गन सिस्टम का अभाव है तो इसमें हम ये कहते हैं टिश्यू डैश ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, या कहीं कहीं ये भी लिखा होगा ऑर्गन डैश ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है, तो ऑर्गन डैश ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, यानी यहाँ ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन सारे ऑर्गन सिस्टम नहीं, जैसे आपको बताया स्केलेटल सिस्टम, कोई कंकाल तंत्र नहीं मिलेगा, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई श्वसन तंत्र नहीं मिलेगा, कोई आपको यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा, पाचन तंत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप दोनों बातें सही हैं, चाहे लिख दीजिए टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, चाहे लिख दीजिए ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है, तो ये आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, मोनिका जी गलत हो जाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब में नहीं है, सब में है, सब में नहीं है, जैसे इसमें जो है आपका जो पीताग्रम है यहाँ नहीं है, ये तो आपका पैरासाइट है, पचा पचा है, भोजन लेता है, बाकी यहाँ पर तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पर आप देखते हैं लिवर फ्लूक में माउथ है, फेरिंग्स है ना, और यहाँ पर इंटेस्टाइनल लिम्ब वगैरह सब हो जाती है, यहाँ पर पूरा है, बस ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब माउथ है लेकिन एनस नहीं है, तो ये आप समझते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसमें देखा, यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, इधर माउथ हो गया, ठीक है, अगर आप हमें स्ट्रक्चर पढ़ा है, माउथ होता है, फिर यहाँ से फेरिंग्स आती है, सेक्टोरियल फेरिंग्स आती है, इसमें उसके बाद फिर यहाँ पर ये दो आंत की ऐसे लिम्ब बन जाती है, एक लिम्ब इधर चली जाती है, एक लिम्ब इधर चली जाती है ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंटेस्टाइनल लिम्ब होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये आगे से क्लोज है, और आपको बताया था कोई भी नली एक तरफ से खुली हो और आगे से इस तरह से क्लोज हो तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, वेरी गुड वैशाली, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ठीक है, इफ प्रेजेंट, हाँ तो ब्लाइंड सैक हो जाएगा, वेरी गुड, जा भैया, तो समझिए आप ये नहीं कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, मोनिका जी ये नहीं कहेंगे कि पूरे प्लेटियल में डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, यहाँ ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा तो आपको, लेकिन यहाँ पर आपको माउथ दिखेगा, ये माउथ से ही इंजेक्शन भी करेगा, इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण, और जो त्यागेगा अगर वो इजेक्शन भी यहीं से होता है, तो जहां भी आपको मिलेगा यहाँ प्लेनेरिया भी माउथ मिलेगा, प्लेनेरिया का माउथ जैसे इसका माउथ जो है बिल्कुल एंटीरियर होता है, प्लेनेरिया का माउथ कहाँ होता है, प्लेनेरिया का माउथ कहाँ होता है लिख दीजिएगा, प्लेनेरिया का माउथ कहाँ होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हाँ एलिमेंट्री कैनाल बाइफर्केटेड होती है इसकी, एलिमेंट्री कैनाल बाइफर्केटेड है और इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। चलिए तो ये आप लोग काफी समझ गए हैं हमारे हिसाब से, आपका हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा चपटे क्रम में, लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनने की शुरुआत हो गई, सारे ऑर्गन सिस्टम नहीं है पर ऑर्गन सिस्टम बनने की शुरुआत हो गई, तो पहले एनिमल है जिनमें आपको कोई ऑर्गन सिस्टम दिखाई पड़ा है, जिनमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी अगर बात की जाए तो पहली बार दिख रहा है, इससे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ था, वो तो नर्व सेल्स मिलकर के नर्व नेट बना लेती थी, है ना, सिलेंट्रेटा में क्या था, नर्व नेट था, यहाँ पर आपको पहली बार
फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, नर्वस सिस्टम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है, स्पेशल होता है। किस तरह का नर्वस सिस्टम होता है आप लोग लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बात की किसकी, लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहले एनिमल है जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखेगा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का, और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ये भी हमने आपको नोट करा दिया। आगे ध्यान दीजिए, सिमेट्री। पहले एनिमल है बात पहले हो गई थी जिनमें यहाँ बीच से काटे दायां भाग बराबर बायां भाग, यानी कौन सी सिमेट्री हो गई, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री पहली बार यहाँ से आना शुरू हुई, तो बायलैटरल सिमेट्री है पहली बार, ट्रिपलोब्लास्टिक है, ये सब बारी बातें हो ही चुकी हैं। तो सिमेट्री में कुछ बताना नहीं है, सिमेट्री आपको याद हो गई, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। वेरी गुड, आशा जी ने बताया, हमने पूछा था इसका माउथ कहाँ है, तो आप इसके धोखे में ना रहिएगा, यहाँ इसका माउथ है, यहाँ नहीं, इसका माउथ नीचे होता है, ऐसे प्लेनेरिया का माउथ यहाँ नीचे होता है वेंट्रल सर्फेस पर, ठीक है, मिड वेंट्रल सर्फेस पर, यहाँ पर नीचे होता है, ठीक है। वैशाली, सबका माउथ एंटीरियर पे नहीं होता है, ठीक है, सबका, इसका माउथ एंटीरियर पर है, इसका नहीं एंटीरियर, इसका वेंट्रल होता है, प्लेनेरिया या डिजेसिया का जो है वेंट्रल माउथ होता है। ध्यान देंगे, सिमेट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक, यहां तक सबका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बायलैटरल सिमेट्री के बाद बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं, बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी सबको पता है, शरीर के अंदर की गुहा, देह गुहा, तो यही इसी को देख लेते हैं, आपके सामने बना ही हुआ है। तो जैसे ये इसके शरीर की क्या हो गई, दीवार हो गई, शरीर की दीवार मींस बॉडी वॉल, देह भित्ति जिसे कहते हैं, बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल हो गई। ये अंदर मान लीजिए इसके इंटेस्टाइनल लिंब हो गई, आंत की भुजा हो गई। तो ये अगर आंत है और ये बॉडी वॉल है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, हाँ दिख रहा है, इतनी जगह दिख रही, देखिए बीच में थोड़ा सा गैप है। तो यही तो हम लोगों में भी होता है, हम लोगों में क्या होता है, जो शरीर की दीवार है ये हमारी मान लीजिए बॉडी वॉल है, अंदर आंत है, तो हमारी दीवार और आंत के बीच में एक गैप होता है, ये हमारी बॉडी वॉल हो गई, हमारा हाथ मान लीजिए बॉडी वॉल है और ये पेन मान लीजिए हमारी आंत है, तो हमारी दीवार और आंत के बीच एक गैप होता है, ये हमारा सीलोम है, ट्रिप सीलोम है हम लोगों में। यहाँ पर क्या है, इस दीवार और आर्गन के बीच यहाँ आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक टिश्यू भर जाएगा सब पूरा, ये सब जगह एक टिश्यू भर जाएगा, यहाँ पर एक भरा हुआ होगा। ये जो टिश्यू होगा इसका नाम लिख दीजिएगा आप लोग, पता होगा आप लोगों को। तो ये जो टिश्यू भरा होता है, कोई भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं है, यहाँ कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एसीलोमेट, याद रखेंगे एसीलोमेट। कुछ लोगों ने पहले बोल दिया था स्यूडोसीलोमेट, वो लोग याद कर लें, जिन्होंने स्यूडोसीलोमेट कहा था, स्यूडोसीलोमेट आप अगले फाइल में देखेंगे, एस के हेलमेंट थी जिसमें आता है आपका निमेटोडा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीलोम नहीं है, तो हम लोग इसे बोलेंगे नॉन सीलोम, ठीक है, एसीलोमेट, नॉन सीलोम, ठीक है, सीलोम नहीं है, बिल्कुल सही, एसीलोमेट। और इस टिश्यू का नाम लिखिएगा विनोद भैया, सीलोम है ही नहीं इसमें, सीलोम नहीं है, एसीलोमेट। और इस सीलोम में क्या भरा है, हमने आपको बताया इस सीलोम में क्या भरा है, ये बॉडी वॉल और आर्गन के बीच जो जगह है यहाँ पर जो भरा हुआ है, इसका नाम पूछा था, यह है मीजेनकाइम, इसको हम बोल सकते हैं मीजेनकाइम या पैरेनकाइमा, या इसको हम पैरेनकाइमा कहेंगे। और याद रखेंगे इसकी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, मीजोडर्मल, ठीक है, तो मीजोडर्मल है, ध्यान रखेंगे सब लोग, मीजेनकाइमा पैरेनकाइमा। अच्छा आप लोग कहाँ कहाँ उड़ते रहते हो, हमारी ये नहीं समझ में आता है, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पहुंच गए गरिमा जी। वो ट्राइडल टिश्यू वो जोंक में होता है, लीच में होता है, वो अलग चीज है, ठीक है, तो एक ही चीज में रहिए, अभी कहाँ प्लेटेलेंगी से दूसरे फाइल में पहुंचा देते हैं आप लोग। तो ये जो यहाँ पर है, इतना ज्यादा होगा ना, सब एक मिक्स कर लोगे आप लोग, खिचड़ी हो जाएगा सब, है ना, तो एक एक चीज में समझे रहिए गरिमा जी, ध्यान दीजिए। वो ट्राइडल टिश्यू वो आप लीच में कहेंगे, ठीक है, वो लीच में है, यहाँ पर जो ये टिश्यू है इसका नाम मीजेनकाइमा या पैरेनकाइमा, ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। हमने कहा था शरीर तीन परतों से बना होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ये मीजोडर्म जो है वही हमारी बनाती है मीजेनकाइम, मीजेनकाइम या जिसको हम बोलते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है, तो मीजेनकाइम या पैरेनकाइमा, ठीक, पैरेनकाइमेटस, मीजोडर्म, पैरेनकाइमा, सभी लोगों ने सही आंसर लिखा। तो ये इस तरह समझिएगा, तो अपना शरीर कैसा है, अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारा शरीर लाइक ए बॉक्स, एक आपके घर में बड़ा सा संदूक होगा, बड़ा सा वाला बक्सा होता है, इसमें रजाई गद्दे भरे जाते हैं, वैसे मान लीजिए बड़ा सा बक्सा है, तो हमारा शरीर बड़ा सा बक्सा है, और बक्से के अंदर मान लीजिए पाइप रखी है,
तो हमारे शरीर में बक्से और पाइप, पाइप हमारी क्या है आंत, बक्से की दीवार हमारी क्या है बॉडी वॉल, तो हमारे बक्से की जो चद्दर है लोहे की और अंदर पाइप के बीच में जगह रहेगी। इस फाइलम में पाइप और बक्सा, बक्से के अंदर एक पाइप रखी, बीच में जगह नहीं रहेगी, वहां सब एक रुई भर दीजिए, सब पूरे बक्से में रुई भर दीजिए। तो जो बक्से की लोहे की चादर होगी और बक्से के अंदर एक पाइप रखी होगी, तो बक्से की चादर और पाइप के बीच कोई जगह नहीं रहेगी, वहां सब रुई भर दीजिए पूरी। तो कहीं कोई बक्से में जगह खाली नहीं है, जो भी जगह खाली है वहां पर एक फ्लूड जैसा भरा हुआ है, एक तरल जैसा भरा हुआ है, टिश्यू भरा हुआ है। ये मेसेनकाइम या पैरेन्काइमा है, जो मेसोडर्मल ओरिजिन का है। और ध्यान देंगे, ये जो मेसेनकाइम है यही इसके शरीर के अंदर मजबूती ला रहा है, एक हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम कर रहा है, एक भरा हुआ द्रव जो है ये मेसेनकाइम इसके अंदर स्केलेटन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी टिश्यू है। ये कैसे शरीर के जानवर है, कोमल जानवर है, हड्डी पड्डी है ही नहीं इनमें, ठीक है। तो इसके अंदर कोई हड्डी या कंकाल नहीं है, कोई ये ठोस जानवर नहीं है, कड़े जानवर नहीं, सॉफ्ट बॉडी जानवर है। तो सॉफ्ट बॉडी इनके अंदर कोई कंकाल नहीं, फिर भी इनका जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप कैसे मेंटेन हो रहा है, इनको अंदर से मजबूती या स्ट्रेंथ कौन प्रदान कर रहा है, तो ये पैरेन्काइमा या मेसेनकाइम यही इनको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। इट एक्ट्स एज ए हाइड्रोलिक स्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोलिक स्केलेटन मतलब द्रव स्थैतिक कंकाल, द्रव स्थैतिक कंकाल का काम कर रहा है। खुश हो सकते हैं, दो गुब्बारे ले लीजिए, बैलून, और एक बैलून में हवा भरी हो, एक बैलून में पानी भरा हो। देखिए पानी वाला बैलून थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, उसका शेप बढ़िया रहता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जो पानी अंदर भरा हुआ है वो उसका हाइड्रोलिक स्केलेटन है। गुब्बारे में हवा, एक में पानी, तो पानी अंदर से मजबूती देगा, हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करेगा। तो हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करेगा कौन, पैरेन्काइमा। वेरी गुड पवन कुमार जी, हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करेगा पैरेन्काइमा, और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। भाई इसके शरीर में कहीं से कहीं कुछ जो है, अगर सर्कुलेट होना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ पैरेन्काइमा की सहायता से कोई भी चीज यहाँ से यहाँ तक, वहां से यहाँ तक, जहां से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होना है, तो पैरेन्काइमा में चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो पैरेन्काइमा जो है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर देता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर देता है। बिल्कुल जाबिर जी, कोई एक्टो, कोई एंडो, कोई भी स्केलेटन सिस्टम नहीं है, ना बाह्य कंकाल है, ना अंतः कंकाल है, ना एंडो स्केलेटन है, ना एक्सोस्केलेटन है, हाइड्रोलिक स्केलेटन है, वो पैरेन्काइमा या मेसेनकाइम का बना हुआ है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी की बात हो गई, बॉडी कैविटी एसिलोमेट है, विदाउट सिलोम है, और हमने देखा कि बॉडी वाल ये शरीर की दीवार, और ये आंत वाली इंटेस्टाइन दीवार और अंगों के बीच की जो जगह है, यहाँ पर पैरेन्काइमा या मेसेनकाइम भरा रहता है, जो मेसोडर्मल टिश्यू है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू माने संयोजी ऊतक है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसको मेसेनकाइमा पैरेन्काइमा कहेंगे, और यही फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई हमारी बॉडी कैविटी की। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा, पहली बार स्टार्ट हुआ सिफेलाइजेशन, ये भी पहले टाइम, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है सिफेलाइजेशन। सिफेला बताया था हमने, सिफेलिक शब्द किसके लिए आता है, सिर के लिए आता है, तो सिफेलिक शब्द आता है सिर के लिए। तो इससे पहले सिर इस तरह से बढ़िया नहीं बन रहा था, अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर का बनना स्टार्ट हुआ है। दरअसल यहाँ पर आगे क्या होता है, ये एग्रीगेशन हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होती है आगे वो मिल जाती है, यहाँ पर ब्रेन बन जाता है। इस पार्ट में क्या बनेगा, ब्रेन, जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, उतना डेवलप तो ब्रेन नहीं है, बस गैंग्लिया होती है, फ्यूज होकर के ब्रेन बनाती है, तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगता है, इसलिए इसमें सिर जैसा भाग बनने लगता है। आप जान सकते हैं इसका इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो इस तरह से इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन जाती है, सिर का डेवलपमेंट बनना शुरू हो जाता है, सिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, यानी यहाँ पर सिफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ है, सिफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब भैया CNS है, CNS में वही हम ब्रेन मान सकते हैं, और वहां से निकल करके लेटरल नर्व्स होती है जो पूरी बॉडी में फैली रहती है। तो यहाँ पर सिफेलाइजेशन है, हेड का फॉर्मेशन हुआ है, पहले एनिमल है जिनमें जो सिफेलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, और यहाँ पर एग्रीगेशन हो गया है, ब्रेन का निर्माण हुआ है, और इसमें सेंस ऑर्गन है। अगर सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन आपको ज्यादा किसमें देखने को मिलेंगे, इनमें टर्मलेरिया में ज्यादा मिलेंगे, या ट्रिमेटोडा सिस्टोडा में मिलेंगे। सेंस ऑर्गन आपको किन में सेंस ऑर्गन ज्यादा देखने को मिलेंगे, तीनों फार्म आपके सामने बनी हुई है, आप लोग देखिएगा आपको सेंस ऑर्गन किसमें ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल सही मंजुलता जी, हेड फॉर्मेशन पहली बार स्टार्ट हुआ है, इसी को हमने नाम दिया सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन मतलब हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ब्रेन भी यहाँ आपको दिखेगा, एग्रीगेशन होगा गैंग्लिया के मिलने से बनेगा, सेंस ऑर्गन का एग्रीगेशन हुआ। फिर हम लोगों ने आपसे पूछा है कि
कि ये संसाधन आपको कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे संसाधन। अभी आंसर आया नहीं, सोचने लगे सब लोग, चलिए लिखे जल्दी से। बाकी जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर तो वही है, जर्म लेयर के बारे में बता ही दिया। पहले इनवर्टिब्रेट है, ये पहले इनवर्टिब्रेट है जहां पर स्टार्ट हुई है तीन परतें, एक्टोमीजो और एंडो, इससे पहले सब डिप्लो थे। तो यह फर्स्ट इनवर्टिब्रेट जहां से स्टार्ट हुआ क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अरे इसमें तो कंफ्यूजन हो गई, सब लोग मिक्स लिख रहे हैं, कोई ट्रिबलेरिया बता रहा है, कोई सिस्टोडा बता रहा है, कोई ट्रिमेटोडा ना बता दे, ठीक है। चलिए देखिए, सेंस ऑर्गन का काम किसको ज्यादा है, सेंस ऑर्गन का काम उसको ज्यादा है जो कहीं घूमता फिरता हो। जैसे आप बाहर जाते हैं तो आपकी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, आपके कान होने चाहिए सुनने के लिए, है ना, बैलेंस बनना चाहिए आपका। जब आप इधर उधर टहलोगे तभी तो आपको ज्यादा इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी, और जो आंत के अंदर पड़े हैं वहीं पड़े हुए हैं उनको कौन सा बाहर काम है, उनको ज्यादा सेंस की जरूरत ही नहीं, वो तो फीता क्रम आपकी आंत से चिपका हुआ है बस, वो इंटेस्टाइन आप कुछ करता भी नहीं, आप जो खाते हैं पचाते हैं वही आपकी आंत से ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो फ्री लिविंग फॉर्म है उनमें आपके ज्यादा जरूरत पड़ेगी सेंस ऑर्गन की। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ये जो टर्बुलेरिया है ये इनमें सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप होंगे। अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो टर्बुलेरिया यानी कि फ्री लिविंग फॉर्म जो है, फ्री लिविंग फॉर्म में आपको सेंस ऑर्गन देखेंगे। फ्री लिविंग को बाहर की दुनिया में जाना है, हर चीज का एहसास करना है, और एहसास संवेदनाएं सेंस किससे आते हैं, सेंस ऑर्गन से। तो सेंस ऑर्गन आपको मिलेंगे देखने को कहां, टर्बुलेरिया में, ठीक है। सुधार कर लीजिएगा भैया, अमित भैया ध्यान दीजिएगा, टर्बुलेरिया में। अंदर कोई व्यक्ति से देर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पैरासाइट को किसी भी चीज के अंदर तो रह ही रहा, उसको इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर रह रहा। तो ये बात हो गई, जर्म लेयर की भी बात हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों परतें बन गई है। स्केलेटन की बात हमने पहले ही कही कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, कोई स्केलेटन है नहीं। पैरेन्काइमा को भाई आप लोग जरूर याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक स्केलेटन है, तो स्केलेटन सिस्टम भी नहीं लिखाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात हो गई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। कैसा है यहाँ पर, इनकम्प्लीट है, माउथ तो मिल जाएगा लेकिन एनस नहीं मिलेगी, एनस नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो ये है आपके फ्लैट वर्ब जैसे है ना, फीता क्रम वगैरह है, अगर इसकी बात करें, इसकी इंटेस्टाइन कहाँ है, इसका डाइजेस्टम कहाँ है, तो भाई इसमें डाइजेस्टम है ही नहीं, क्यों होगा। वो तो इंतजार करता है कि आप कमाओ पहले रोटी, फिर रोटी कमाने के बाद रोटी खाओ, रोटी खाने के बाद आप रोटी पचाओ, जब आप रोटी पचा लोगे तो जो पचा पचाया भोजन होगा आपका, जो डाइजेस्टेड फूड होगा, वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये फूड कोई यहाँ माउथ होता ही नहीं है, इसके फीता क्रम के कोई मुंह नहीं होता है, वहां खाना नहीं खाता, ये अपने शरीर की सतह से फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये रहता कहाँ है हम लोगों की, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर क्या लगे होते हैं, विलाई, विलाई जाते हैं ना, आपको बताया था हमने रसांकुर, जो विलाई भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, छोटी आंत में विलाई लगे होते हैं, वहीं पर रहता है, वहीं पर एब्जॉर्ब करता रहता है। तो फीता क्रम जो है ये एब्जॉर्ब करता रहता है, और ये इसमें कोई माउथ नहीं, तो यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑस्मोट्रॉफी कह सकते हैं, बॉडी सर्फेस से इनटेक कर रहा है, बिल्कुल सही बात मोनिका जी, ठीक है। तो ऑस्मोट्रॉफी कह सकते हैं, बॉडी सर्फेस से इसको क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। तो हम लोगों ने ध्यान दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम फीता क्रम में तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, अंदर रह रहा है, जबकि फ्लैट वर्म में मिलेगा तो आपको कैसा मिलेगा, इनकम्प्लीट मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर माउथ तो है लेकिन यहाँ एनस नहीं है, ठीक, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ जगह लिखिए, लिख देते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन, श्वसन कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे, तो ये सांस कैसे लेते हैं, एरोबिक लेते हैं या एनएरोबिक लेते हैं, एरोबिक लेते हैं या एनएरोबिक सांस लेते हैं, ठीक है। विनोद तोमर जी, ऑस्मोट्रॉफिक एंडोपैरासिटिक, वेरी गुड, ठीक है। डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, इट अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, वेरी गुड पवन जी। कोई हमारे हमारी आंत में रह रहा है, ये बढ़िया वाला परजीवी है, पूरा वेट करता है, जब हम पचा लेते हैं उसी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एरोबिक है कि एनरोबिक है, तो यहाँ पर मिक्स आंसर आने लगे, एरोबिक एनरोबिक, एरोबिक एनरोबिक, दोनों मिक्स आंसर आने लगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है पैरासिटिक, जो फॉर्म है, तो पैरासिटिक परजीवी को बॉडी के अंदर रहना है, तो विद इन द बॉडी अगर आपकी आंत के अंदर कोई चीज रह रही है तो वहां कहां ऑक्सीजन मिलेगी उसे, तो अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई रह रहा है तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब वो एनरोबिक करेगा, तो ये एक तरह का उसमें पैरासिटिक अडाप्टेशन आ गया। लेकिन ये जो फ्री लिविंग फॉर्म है,
ये जो पानी में है, पानी में तैर रहा है, हाँ, तो ये जो पानी में तैर रहा है बेचारा प्लेनेरिया, ये तो ऑक्सीजन से ही सांस लेगा, तो ये ऑक्सीजन से ले लेता है, ये ऑक्सीजन जो होती है इसके अंदर आती है। बस ये है कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है इसकी बॉडी में, तो इसके जो शरीर की ये सतह है, जनरल बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा डिफ्यूजन से और CO2 को निकाल देगा। तो इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, वो गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होगा थ्रू डिफ्यूजन, जनरल बॉडी सरफेस से, कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जो फ्री लिविंग फॉर्म है बाहर रह रही पानी में, वो ऑक्सीजन से सांस ले लेगी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, ये विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के करेंगे, यानी ये एनएरोबिक करेंगे, ठीक है। तो जो पैरासिटिक फॉर्म होंगी, वेरी गुड वैशाली, जो एंडो पैरासाइट्स हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे किस तरह से, एनएरोबिकली, वो एनएरोबिकली करेंगे, और जो ये आपकी फॉर्म है टर्बुलेरिया, जिनको हम प्लेनेरियम वगैरह, प्लेनेरिया वगैरह, ये आपकी बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन लेंगे, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन है, एनारोबिक आपकी पैरासिटिक फॉर्म में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना एक प्रकार का पैरासिटिक अडाप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को आपकी आंत के अंदर रहने के लिए ढाल लिया, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना अडाप्टेशन कहलाता है, उन्होंने अपने आप को आपकी आंत में रहने के लिए ढाल लिया और बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगे ये, ठीक है। और ये जो है ये ऑक्सीजन से कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, अपना सांस ले रहे हैं बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की भी आपकी बात हो गई, रेस्पिरेशन जो फ्री लिविंग फॉर्म होगी वो करेंगी गैस एक्सचेंज अपनी बॉडी सरफेस से, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, एरोबिक करेंगी, और जो एनारोबिक फॉर्म है वो पैरासिटिक फॉर्म होगी, वो एनारोबिक करेंगी। चलिए, तो रेस्पिरेशन के बाद हम लोग आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने बता ही दिया था, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, बस ये जो है पैरेन्काइमा है, बस इसी में सर्कुलेशन जो भी है न्यूट्रिशन वगैरह का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, वो सर्कुलेशन हो सकता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप सीधी बात लिख देंगे, एब्सेंट है, अगर कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर तो किसके द्वारा, पैरेन्काइमा के द्वारा। तो हम कह सकते हैं पैरेन्काइमल सर्कुलेशन है, कैसा सर्कुलेशन है, पैरेन्काइमा में हो रहा है इधर से उधर, बाकी कोई हार्ट वेसल्स ब्लड की पाइप ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, पैरेन्काइमा से ही जो भी हो रहा है मूवमेंट हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, ठीक है, बड़ा खास पॉइंट है, बहुत ही पेकुलियर करेक्टर इसका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सदन के लिए यहाँ पर सभी लोग जानते हैं एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं इस संघ की पहचान है, जिनको हम फ्लेम सेल्स, क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, वो भी एरोबिक कर लेंगे, जो शरीर के बाहर है वो कैसे करेंगे, एरोबिक करेंगे, जो शरीर के अंदर है वो एनारोबिक करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ, फ्लेम सेल्स यहाँ पर क्या है, फ्लेम सेल्स, तो पहली बार यहाँ पर डेवलप हुई है फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स क्या है, एक टाइप के प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं आप लोग बता सकते हैं, एक प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, एक मेटानेफ्रिडिया होता है, है ना। हम लोगों में तो आगे चल करके किडनी बन जाती है, उससे पहले की फॉर्म है प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, मेटानेफ्रिडिया क्या होता है, तो इसमें जो एक्सक्रीशन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है। तो इस तरह से ऐसे मान लेते हैं ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स की इस तरह से होती हैं, और इन सेल्स में अंदर एक ल्यूमेन होती है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इन सेल में ये इनकी बेसल बॉडी है, और इन बेसल बॉडी से क्या लटके हुए हैं, सीलिया लटके हुए हैं, ये सीलिया लटके हुए हैं, ठीक है। सीलिया का पूरा गुच्छा होता है, और अगर फ्लूक जिंदा होता है तो इस फ्लूक में, एक जिंदा फ्लूक में ये हमेशा ये सीलेरी फ्लेम जो है इस तरह से लहराती रहती है, ऐसे ऐसे जैसे मोमबत्ती की लौ फ्लिकरिंग करती है, फ्लिकरिंग करना मतलब लहराती रहती है, ऐसे ही ये सीलिया की लौ लहरा रही होती है इधर से उधर, ये पहचान होती है कि लिविंग है अभी, और ये लहराता है ऐसे लव की तरह, इसीलिए इसका नाम फ्लेम सेल रख दिया गया, ज्वाला कोशिका रख दिया गया, बाकी इस कोशिका में कोई आग नहीं लगी हुई है, ये इसमें आग नहीं लगी है, जल नहीं रही है, ज्वाला कहीं नहीं है, ज्वाला जैसा मोमबत्ती की लव जो होती है, कैंडल की लव जो होती है, उसकी तरह ये सीलरी फ्लेम बन जाती है, इसीलिए इसका नाम ज्वाला कोशिका रख दिया गया है, ठीक है। तो बात आप लोगों से पूछा था प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया कौन भैया बता रहे हैं, सिलिएटेड होती है। देखिए अभी आप, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एनिडा फाइलम,
तो एनिडा में अगर आपको ध्यान होगा केचुए का, नेरीज का, उसका जो नेफ्रिडियम था वो मेटा नेफ्रिडियम था। वो नेफ्रिडियम जो हम लोग देखेंगे वो क्या होंगे, मेटा नेफ्रिडिया होंगे, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया है। अब आप बताइए दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है नेरीज का, केचुए का नेफ्रिडियम और ये इसका नेफ्रिडियम, तो हम कह रहे हैं ये प्रोटोनेफ्रिडियम है और केचुए और नेरीज वाला मेटा नेफ्रिडियम है। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, बेसल ग्रेनुल से होते हैं, ठीक है, वो तो हमेशा सीलिया फ्लैजिला कोई भी हो उनकी ये जो है ये बेसल बॉडी होती है, बेसल ग्रेनुल होती है, जो कि देखा जाए तो ओरिजिनेट रूप से वो जो होती है उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, वो बेसल बॉडी जो होती है एक सेंट्रियोल होती है। क्या होती है? सेंट्रियोल होती है, हमने आपको बताया था प्रोटोजोआ में, तो उसी से सीलरी फ्लेम निकली हुई है, लटकी हुई है, और ये यहाँ पर ये सेल है और ये सीलिया इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये सेल है इस जगह पर और चारों तरफ इसके क्या भरा होगा, चारों तरफ क्या भरा होगा, मेसेनकाइम, और मेसेनकाइम से जो भी जब ये सीलिया की फ्लो, ये सीलिया की जो लो है, ये फ्लेम जो है ये लहराएगी, उससे से जो एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। लीस्ट डेवलप्ड किडनी आर्किनेफ्रिडिया, आर्किनोटिव किडनी इसमें सेपरेट होगी और मेटा में कंबाइन होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी दोनों का, दरअसल आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। इसको जरा देखिए, इस प्रोटोनेफ्रिडिया में आप बताइए इधर से कोई इंड है, बता कहीं खुला है, कोई ओपनिंग है, इधर कोई ओपनिंग नहीं है, ये इंड एक सिरा है, ब्लाइंड इंड होता है, क्लोज इंड होता है, इधर से ये गंदगी को खींचती है। उसमें जब आप देखते हैं वहां पर एक आगे कीप जैसा फनल लाइक पार्ट होता है, उसको आपने ध्यान दिया होगा नेफ्रोस्टोम, अगर आपको याद आ रहा है नेरीज का या केचुए का, तो वहां पर नेफ्रोस्टोम होता है, कीप फनल जैसी होती है, उधर से यहाँ पर एक छिद्र खुला होता है, वहां से गंदगी को अब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उसके अंदर एक क्या होती है, ट्यूब होती है, और वो ट्यूब आगे चल करके खुलती है एक पोर पर, उस पोर को नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। तो वो जो आपने नेफ्रिडिया देखा था जिसमें एक तरफ ओपनिंग होती है, एक तरफ इधर एक साइड में क्या होनी चाहिए, ओपनिंग, उस ओपनिंग को क्या कहेंगे, उस फनल को क्या कहेंगे, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम एक साइड में गंदगी को खींचने के लिए नेफ्रोस्टोम, और फिर गंदगी जाती हुई इधर से नेफ्रोस्टोम से आई, नेफ्रोस्टोम से आई, फिर गंदगी जा रही है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहां से निकले, यहां पर मान लीजिए एक छेद है, इस जगह पर एक छेद है, ये नेफ्रिडियो पोर हो गया, दोनों साइड में ओपनिंग है, इस तरह का जो आपको मिलेगा वो क्या था, मेटा नेफ्रिडियम, वो वाला क्या था, मेटा नेफ्रिडियम। यहां इस तरफ कोई ओपनिंग नहीं है, ये एंड है, एक तरफ से बंद है, और यहां पर अंदर इसके क्या लगे हुए हैं, सीलरी फ्लेम है, और ये इस सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर ल्यूमेन होती है, सेल के अंदर एक कैविटी होती है, उसी में ये लटके होते हैं और यहीं पर ये मूवमेंट करते हैं, सीलरी की फ्लेम, ये जो सीलिया की फ्लेम बन गई है, ये सीलरी फ्लेम, ये ऐसे ऐसे सीलिया लहराते हैं और उस तरह से गंदगी को यहां से यहां तक एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी ओपनिंग नहीं है प्रोटोनेफ्रिडिया में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब शायद उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम, और बढ़िया क्लियर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे नेरीज अर्थवर्म तो वहां का नेफ्रिडिया देखेंगे। तो फिलहाल ये प्रोटोनेफ्रिडिया है, इस साइड में कोई ओपनिंग नहीं है और एब्जॉर्ब करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और प्रोटोनेफ्रिडिया जो इसमें है, इसमें आप प्रोटोनेफ्रिडिया हम देख रहे हैं, यहां पर फ्लेम सेल्स क्या है, फ्लेम सेल्स। अच्छा, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट में कोई फर्क है, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट में कोई फर्क है, लिखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया के दोनों प्रकार हैं, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट, थोड़ा सा अंतर होता है बस, सोलेनोसाइट। और इसके अलावा कहाँ है, हमने आपको पढ़ाया है ये प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया आप इसके अलावा कहाँ देखेंगे, एक तो यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, किस फाइलम में, प्लेटीहेलमिंथीज में प्रोटोनेफ्रिडिया देख रहे हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया आप कहाँ देखेंगे, और प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ देखेंगे वो भी लिखिएगा, और अंतर भी लिखिएगा फ्लेम सेल में और सोलेनोसाइट में, ठीक है, फ्लेम सेल में और सोलेनोसाइट में। चलिए आगे आप हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में विशेष इसमें जो है प्रोटोनेफ्रिडिया है, और उसमें कौन सी इसमें सेल है, फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स हैं, और ध्यान रखिएगा ये अमोनोटेलिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनोटेलिक, अमोनो, अमोनोटेलिक, नोट कर लीजिएगा, ये अमोनोटेलिक होते हैं। वीरेंद्र प्रजापति जी, नेफ्रिडिया ओपन बोथ इन, वेरी गुड, नेफ्रिडिया क्या कहिए, मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया दोनों तरफ से खुला, एक तरफ नेफ्रोस्टोम
और एक तरफ नेफ्रिडियोपोर, इधर नेफ्रोस्टोम कीप जैसा फनेल जैसा, और एक तरफ नेफ्रिडियोपोर वो मेटानेफ्रिडियम हो गया। ये इधर से बन रहा है, ये वाला प्रोटोनेफ्रिडियम हो गया। मेटानेफ्रिडियम में अंदर एक ट्यूब रहेगी, ट्यूब रहेगी, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर एक, ठीक है। यहाँ कोई सी ट्यूब व्यूब नहीं है, नली वली नहीं इसके अंदर, ठीक है। और हमने आपको जो बताया था, अभी जो हमने पढ़ाया है आपको प्रोटोनेफ्रिडिया, आप लोगों ने क्लास देखी है, वो आपको बताया था जो ब्रेंकियोस्टोमा था, ब्रेंकियोस्टोमा यानी कि लांसलेट, तो जो लांसलेट था ब्रेंकियोस्टोमा, या उसको एम्फियोक्सस भी बोलते हैं, किसमें आता था आपका सिफेलोकार्डेटा, कार्डेटा में जो सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा था वहां पर भी आपको मिलेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया, पर वहां पर उनको नाम देंगे सोलेनोसाइट, और यहाँ पर इनको नाम देंगे फ्लेम सेल। कहीं कहीं जगह लिख देते हैं फ्लेम सेल सोलेनोसाइट, एक ही चीज मान ली जाती, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है वो ध्यान देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा और आपने, आपको हमने कहा बताया है सिफेलोकार्डेटा में बताया है, सिफेलोकार्डेटा में आपको हमने बताया है सोलेनोसाइट। जरा सा अंतर है जब ये सीलिया हो, सीलिया मतलब छोटे 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 और बहुत, जब ये सीलिया हो तब इनको नाम देते हैं हम फ्लेम सेल, और जब इसी स्ट्रक्चर में ये सीलिया की जगह लंबे लंबे फ्लैजिला हो, जब फ्लैजिलेटेड हो जाए, सीलिएटेड की जगह फ्लैजिलेटेड हो जाए, तब नाम दे सकते हैं सोलेनोसाइट, ठीक है। तो फ्लेम सेल नाम जो है वो कब ज्यादा सुटेबल है, जब सिलेरी फ्लेम हो, सिलेरी फ्लेम हो, और सोलेनोसाइट नाम कब ज्यादा सुटेबल है, जब ये फ्लैजिलरी फ्लेम हो, ठीक है, फ्लैजिलरी फ्लैजिला वाली, फ्लैजिला से बनी हो, फ्लैजिला से अगर फ्लैजिला लटके हुए हैं तब नाम देंगे हम सोलेनोसाइट, और जब सिलिया है ज्यादा तब नाम देंगे हम इसको फ्लेम सेल, ठीक है। सिफेलोकार्डेटा में आपने देखा था, वेरी गुड। चलिए, प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मोनोडेलिक स्केलेटन हो गया, नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम इसका लैडर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा होता है, तो इस तरह से अगर इनके शरीर में देखें तो ऐसे इस तरह से इनका बॉडी है, ऐसे है, और तो इनकी बॉडी में आगे की तरफ तो यहाँ दो गैंग्लिया मिल जाएंगे, ये दो ब्रेन में गैंग्लिया मिल जाएंगे, सेरेब्रल गैंग्लिया मिल करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रेन बन जाएगा, और पीछे की तरफ इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे नर्व काट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों में सबने देखा था एक नर्व कार्ड जाती है पीछे ना, ये नर्व कार्ड होती है डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड, आपको कार्डियम बताया था, यहाँ पर ये दो दो नर्व कार्ड जाती है, और दो नर्व कार्ड जो होती है ये ट्रांसवर्स कमिश्योर से आपस में जुड़ी रहती है। तो बिल्कुल इस तरह से जैसे सीढ़ी आपने देखी है, तो सीढ़ी में सबके घर ने देखी होगी, सीढ़ी में दो खड़े डंडे होते हैं, दो खड़े डंडे इसके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है, ये शरीर में ऐसे चलेंगे, देखिए ऐसे इसमें भी होते हैं, इसमें आपको दिखा देते हैं, इसमें भी ऐसे होते हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ये रेड कलर से मैंने दिखा दिया, तो जो रेड से दिखा दिया ये ऐसे जो जा रहे हैं, ये इसके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है, और उसके बाद ये नर्व कार्ड जो होते हैं ऐसे बेड़े डंडे ट्रांसवर्स कमिश्योर से आपस में जुड़े रहते हैं, ट्रांसवर्स कमिश्योर से आपस में जुड़े रहते हैं, याद रखिएगा। अभी लिंक हुआ है, बहुत देर से नहीं हो रहा था कविता जी, इसमें लिखा तो गया था, वो लिंक खराब हो गया है, दूसरा लिंक भेजा गया था, क्यों लिख तो दिया था, ध्यान दिया करिए, कमेंट में ध्यान दे दिया करिए, कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। प्रोटोनेफ्रिडिया में नेफ्रिडियोपोर होता है, हाँ नेफ्रिडियोपोर तो हो सकता है, सारे प्रोटोनेफ्रिडिया मिल करके लास्ट में नेफ्रिडियोपोर बना सकते हैं, लेकिन वो इधर जो एक साइड जो इधर की ओपनिंग थी वो नहीं मिलेगी, जो नेफ्रोस्टोम वाला था वो नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जगह पर यहाँ पर ऐसे क्या बन गया, इसमें ब्रेन बन गया, तो यहाँ पर इसमें ब्रेन बन जाता है, ब्रेन में क्या है, ये सिफेलिक गैंग्लिया है, कौन सी गैंग्लिया, सिर वाली मतलब सिफेलिक, सिफेलिक गैंग्लिया मिल करके यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ क्या बना दिया, ये ब्रेन बन गया, फिर ये दो पीछे जो रस्सी जैसी गई, ये जो दो रस्सी जैसी जाती है साइड होगा, इनवर्टिब्रेट में हमेशा नर्वस सिस्टम साइड होगा, वर्टिब्रेट में जो हमने बताया था कार्डेटा में वहां हालो होगा, वो अंदर से खोखला होगा, यहाँ साइड मिलेगा, तो साइड नर्वस सिस्टम है, और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड होंगी, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड जो जुड़ी होंगी ये ट्रांसवर्स कमिश्योर, इनको क्या बोलेंगे याद रखिएगा, ट्रांसवर्स कमिश्योर, और ये हो सकता है साइड में ऐसे नर्व निकली हो, ये लेटरल नर्व हो जाएंगी, ये जो निकली है ये लेटरल नर्व हो जाएंगी, जो लेटरल मतलब साइड में जाएंगी, साइड में जाएंगी तो वो लेटरल नर्व चली जाएंगी, वो क्या चली जाएंगी, लेटरल नर्व, तो ये देखने में नर्वस सिस्टम बिल्कुल किसके जैसा हो गया, सीढ़ी के जैसा हो गया, सीढ़ी नुमा यानी लैडर लाइक, ठीक है, तो लेटर लाइक हो जाएगा, याद रखेंगे दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है, एक ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, एक ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, और दोनों लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड जुड़ी है ट्रांसवर्स कमिश्योर से, और ये क्या बन गया हमारा, लेटर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं सेंस ऑर्गन। अब बात कर लेते हैं सेंस ऑर्गन की, ठीक है। तो अब इनमें जो है फ्री लिविंग फॉर्म में ज्यादा सेंस ऑर्गन होंगे, और पहली बार इनके सेंस ऑर्गन जो होंगे वो लगभग प्रिमिटिव टाइप के होंगे, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप के मतलब कम विकसित होंगे, ठीक है। जैसे स्टेटोसिस्ट आपको मिल सकती है कॉन्वोल्यूटा में, जो कॉन्वोल्यूटा एनिमल है उसमें आपको बैलेंस के लिए क्या मिल सकती है, स्टेटोसिस्ट मिल सकती है। आईज, आईज आपको दिख रही है इसमें प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया जो होता है यहाँ पर देखिए आपको इसमें आईज दिख रही है, तो आईज आपको मिल सकती है, ठीक है। और जो पैरासिटिक फॉर्म हो जाएंगे, हमने कहा जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं, वहां अंदर रहने का मतलब वहां पर तो कोई सेंस ऑर्गन बहुत कम, बिल्कुल बहुत ही रिड्यूस या अब्सेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस या अब्सेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन की बात हो गई, सेंस ऑर्गन में स्टेटोसिस्ट नोट कर लीजिएगा चाहे तो कॉन्वोल्यूटा में, ठीक है। यहां लिख देते हैं कॉन्वोल्यूटा, कॉन्वोल्यूटा, कॉन्वोल्यूटा में क्या है, स्टेटोसिस्ट है, स्टेटोसिस्ट ध्यान करके लिख लीजिएगा, कॉन्वोल्यूटा में स्टेटोसिस्ट है। फिर उसके बाद बाकी अलग अलग एक एनिमल पढ़ाएंगे आराम से आगे, अभी थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। फिर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पे गौर कीजिएगा। रिप्रोडक्शन में देखेंगे ये जो जनरली जो है ये बाइसेक्सुअल है, सभी के सभी ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे बाइसेक्सुअल, ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, यानी एक ही एनिमल में, एक ही एनिमल में टेस्टिस भी मिलेंगे ओवरी भी मिलेंगे, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में मिलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, या इसी को हम बोलेंगे मोनोसियस, या इसी को बोलेंगे हम हर्माफ्रोडाइट। तीनों बातें एक ही चीज है, चाहे कह लीजिए बाइसेक्सुअल, चाहे कह लीजिए मोनोसियस, चाहे कह लीजिए हर्माफ्रोडाइट, याद रखेंगे। तो ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है या मोनोसियस है, यानी नर मादा दोनों एक ही में है, ठीक है। ज्यादातर जितने भी आपके फ्लूक्स हैं उसमें भी आप देखते हैं एक फ्लूक जो आपको दिखेगा उसमें नर और मादा अलग होंगे, वो डायोसियस होगा। एक जो फ्लूक होगा वो फ्लूक डायोसियस होगा, वहां मेल अलग होगा फीमेल फ्लूक अलग होगा, वो कौन सा फ्लूक होगा जहां मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, लिखेंगे आप लोग, जहां मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा उस फ्लूक का नाम। जल्दी से लिख दीजिए, ज्यादातर मोनोसियस है। चलिए अभी बताते हैं, तब तक आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात हो गई। फिर रिप्रोड्यूस जो करते हैं ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। ये जो टर्बुलेरिया होते हैं मेनली ट्रांसवर्स फिशर हो जाता है, ये बेड़ा बेड़े इस तरह से ऐसे कट जाते हैं, और इस तरह से बेड़ा बेड़ा कटना ये ट्रांसवर्स फिशन, एक आगे एक पीछे, तो इस तरह से इनमें मेनली ट्रांसवर्स फिशन होता है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर कोई चीज जैसे बीच से कट जाए और दो ऑर्गेनिज्म बन जाए, इधर एक आगे एक पीछे, तो अगर दो जीवों का एक से दो बन गए तो कोई फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। जब तक फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो फिशन से हो रहा है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा किसमें, प्लेनेरियंस में, ठीक है, ट्रांसवर्स फिशन के द्वारा। तो ट्रांसवर्स फिशन आपको देखने को मिलेगा टर्बुलेरिया में, प्लेनेरिया में, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड आंसर आ गया जावेद भैया का, सिस्टोसोमा, ध्यान देंगे सभी लोग, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा जो आपका इसमें एक प्रकार का फ्लूक है, उस सिस्टोसोमा में बड़ी मजेदार घटना होती है। वहां मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है। और जो मेल होता है वो फीमेल को अपने अंदर रखता है ना, मेल जो होता है वो फीमेल को अपने अंदर रखता है, तो अपने अंदर फीमेल को रखता है। जैसे कहते हैं कोई लोग इसे कहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं तुम्हें अपने दिल में रखेंगे, अपने सीने में छुपा के रखेंगे, तो ऐसा ही कुछ वहां पर समझ लीजिए। तो वहां पर क्या है, जो मेल है उसके अंदर एक कैनाल होती है, और उसी में ये जो फीमेल है उसी के अंदर जाकर के रहती है। जैसे मान लीजिए फीमेल है तो अंदर चली गई, देखिए है ना, अंदर जाकर के रह रही, तो इस तरह से वो उसी के अंदर जाकर के रहता है। तो ध्यान रखेंगे, और इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल के शरीर में, वेरी गुड वीरेंद्र भैया का आंसर आ गया, गायनेकोफोरिक कैनाल, यही हम पूछना चाह रहे थे। ये मेल में पाई जाती है गायनेकोफोरिक कैनाल, नाम से मतलब निकाल लीजिए, गायनो मींस फीमेल, फोरिक मतलब धारण करने वाली, कैनाल मतलब नली। तो मेल के शरीर में एक नली होती है जिसमें वो मादा को अपने अंदर धारण करता है, उसको गायनेकोफोरिक कैनाल कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो वो तो खैर जो आपका सिस्टोसोमा है वो तो आपका कैसा है, डायोसियस, वहां मेल अलग है फीमेल अलग है, बाकी मोस्टली सब में मेल फीमेल एक ही में है, मोनोसियस है।
और इसमें एक खास बात यह होती है, जैसे ट्रांसवर्स फिशर करते हैं, ये 20 से कट गया, ये 20 से कट गया, और 20 से कटने के बाद एक आगे बन जाएगा, एक पीछे बन जाएगा। ये हमने आप लोगों को उस दिन बताया था, ये प्लेनेरिया का जो 20 से कट के दो बन जाना है, रिजनरेशन बहुत ज्यादा रिजनरेशन पावर है। ये जो रिजनरेशन है ये अलग है। हाइड्रा में जो बताया था काटा दो सिर वाला हाइड्रा बन गया, वो रिजनरेशन अलग है। तो हाइड्रा का जो रिजनरेशन है हमने आपको बताया था अलग टाइप का है। ये रिजनरेशन प्लेनेरिया का बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सेलेमेंडर और न्यूट्स के वो लिंब निकल आते थे, कहा था उसका टांग कट जाए तो पूरी नहीं निकल आती थी, तो लिंब जो निकल आते थे वो ये और वो दोनों एक ही हैं। तो सेलेमेंडर का न्यूट्स का लिंब निकल आना, प्लेनेरिया का कटने के बाद दो भागों पर जाना, ये हमने बताया था। ये किस टाइप के रिजनरेशन में आता है? हाइड्रा वाला अलग आता था। अनोखी घटना है सचिन भैया, मजा आया है, अलग घटना है, प्रेरित होना चाहिए इससे लोगों को, गायनेकोफोरिक कैनाल से मार्फोलेक्सिस, ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान देंगे, हमने एक दिन आपको समझाया था हाइड्रा में जो हो रहा था वो मार्फोलेक्सिस था, और यहां पर जो हो रहा है ये एपिमार्फोसिस है। ये क्या है? एपिमार्फोसिस। तो एपिमार्फोसिस होती है, इसमें याद रखेंगे यहां पर कैसा रिजनरेशन होता है, एपिमार्फोसिस, इस टर्म को याद रखेंगे, एपिमार्फोसिस होती है। कटने के बाद जैसे यहां से कट गया, ये दो हो गए, तो ये जो पीछे का हिस्सा है यहां पर ब्लास्टेमा बनती है, इधर जो हिस्सा है इसमें इधर ब्लास्टेमा बनती है, और ब्लास्टेमा बनने के बाद फिर वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, एपिमार्फोसिस होती है। चलिए, तो ट्रांसवर्स फिशन होता है, शरीर कई हिस्सों में बढ़ सकता है, इसमें एक खास जानवर और है, उसमें आप नाम याद रखेंगे, क्या होता है कि जैसे ये इस तरह का जीव था, ऐसे ऐसे मान लीजिए प्लेनेरिया है, और इसमें क्या हो रहा है, इसकी बॉडी में ये कटा ये कटा ये कटा, और कई बार फिशन होने के बाद यहां पर एक ऑर्गेनिज्म बन गया, एक ये ऑर्गेनिज्म बन गया, और ये ऑर्गेनिज्म एक के पीछे एक लाइन से लगे हुए हैं, देख रहे हैं, एक दो तीन चार, वो जैसे ट्रेन के डिब्बा जैसे बन गए, वो आगे पीछे जुड़े हुए हैं इस तरह से, ऐसा कुछ देखने को मिलता है इस तरह से, ऐसा भी घटना एक जीव में देखने को मिलती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स फिशन हो रहा है, और जो एनिमल बन रहे हैं वो नए एनिमल पुराने एनिमल के पीछे जुड़े जुड़े वो चेन जैसी बन जाती है, कई एनिमल एक में जुड़े होते हैं पहले स्टार्टिंग में, इस तरह की घटना को क्या कहते हैं, इस फिनामिना को क्या कहते हैं, या आपको किस में देखने को मिलेगा, ये किस में देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, किसी एनिमल में ट्रांसवर्स फिशन से ये पूरे कई एनिमल की एक चेन बन जाती है, कई ऑर्गेनिज्म एक चेन में तरह जुड़े होते हैं, इस फिनामिना को क्या कहते हैं और किस में देखने को मिलेगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा। चलिए, तो रिप्रोडक्शन लोग देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन में देखा हम लोगों ने कि ये एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। पहले हम बात किसी कर रहे हैं, एसेक्सुअल की, एसेक्सुअल ऐसे कटना, ऐसे कटना मतलब ट्रांसवर्स फिशन, ट्रांसवर्स फिशन में अगर रिजनरेशन हो रहा है तो बताया था ये एपिमार्फोसिस है, और हमने बताया भी कि एक एनिमल ऐसा है जिसमें ट्रांसवर्स फिशन से लॉन्ग चेन बनती है, न्यू इंडिविजुअल की, नए इंडिविजुअल की एक चेन बन जाती है, नए इंडिविजुअल एक चेन में जुड़ जाते हैं, ये नए इंडिविजुअल एक चेन में जुड़ जाते हैं। नाम लिखिएगा भैया इसका, इस फिनामिना को क्या कहते हैं, अगर सुना हो आप लोग बताएंगे। चलिए, ये जो चेन बनने वाली घटना है नोट कर लीजिएगा भैया सब लोग, ये माइक्रोस्टोमम में होती है, माइक्रोस्टोमम में होती है, और इस तरह की फिनामिना पैराटॉमी कहलाती है, पैराटॉमी याद कर लेंगे, PARATOMY, पैराटॉमी, इसको नोट करेंगे, माइक्रोस्टोमम में देखने को मिलती है पैराटॉमी, किस में देखने को मिलती है, माइक्रोस्टोमम में क्या देखने को मिलती है, पैराटॉमी, पैराटॉमी में क्या होता है, कई एक सीक्वेंस में जुड़ते हुए चले जाते हैं, लॉन्ग चेन बन जाती है न्यू इंडिविजुअल की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो पैराटॉमी हम लोग जान गए, फिर बडिंग भी हो सकती है, ठीक है, एंडोजिनस या एक्सोजिनस, अंदर बड़ बन सकती है, बाहर बड़ बन सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा इकाइनोकाकस में,
ये काइनों का आकस में बडिंग होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट बनती है। तो उसमें इंटरनल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, दोनों तरह की बडिंग उसमें आप देखने को पा सकते हैं। तो बडिंग भी हो सकती है। बडिंग आपको कहां देखने को मिलेगी? इकाइनोकाकस में। इकाइनोकाकस में नोट कर लीजिएगा, बडिंग देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर बडिंग भी देखने को मिल जाएगी इकाइनोकाकस में। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं, आप पढ़ेंगे इसमें भी पढ़ेंगे। टेस्टिस होंगे, ओवरी होंगे, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, ओवरी में ओवम बनेंगे, ठीक है। ये जो फ्लूक्स है, जैसे लिवर फ्लूक है, इस लिवर फ्लूक में, इसी फ्लूक में टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, इसमें स्पर्म भी बना ओवम भी बना, लेकिन इसका स्पर्म इसके ओवम से नहीं मिलता है, इसका स्पर्म दूसरे फ्लूक के ओवम से मिलता है, उसका स्पर्म उससे मिलता है, नहीं होता है, इसमें क्रॉस है। होता क्या है? क्रॉस है। तो लिवर फ्लूक में जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस का मतलब दो लिवर फ्लूक के बीच में, दो लिवर फ्लूक के बीच में होता है, ठीक है। तो दो लिवर फ्लूक अलग अलग होते हैं, उनके बीच में क्रॉस होता है। तो यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दो फ्लूक की आवश्यकता पड़ती है। टीनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, यहां पर क्रॉस होता है, यहां पर सेल्फ भी हो सकता है। सेल्फ का मतलब क्या है? ये प्रोग्लाइटिड लंबी लंबे है, ये घूम करके ऐसे आ गया और ये प्रोग्लाइटिड इसी के आमने सामने आ गया और एक ही पिताक्रम के दो प्रोग्लाइटिड आमने सामने आ गए। ये मुड़ सकता है ना, ये चीज ऐसे पीछे से जाकर के ऐसे मुड़ करके इधर आ सकती है, मुड़ करके इधर आ गया और दो प्रोग्लाइटिड में हो गया। तो यहाँ तो एक ही पिताक्रम लगा, एक ही टेपवर्म लगा। अगर एक ही इंडिविजुअल, एक ही प्राणी की जरूरत पड़े, एक ही इंडिविजुअल में हो जाए तो वो सेल्फ, ये सेल्फ यहां मिल सकता है, यहां दो के बीच मिलेगा। दो दो लिवर फ्लूक, दो फैसियोला होते हैं, ये ऐसे एक के ऊपर एक आते हैं। इसके स्पर्म इसकी लारियल कैनाल से होते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। इसके स्पर्म इसकी लारियल कैनाल में चले जाते हैं, वो दो के बीच होता है, दो इंडिविजुअल लगते हैं। तो क्रॉस होता है, क्रॉस होता है यहां लिवर फ्लूक में। तो सेल्फ भी मिलेगा, क्रॉस भी मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये बहुत जरूरी बात है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है। डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था है, ज्यादातर इसमें समय लार्वा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहां हो सकता है टर्बुलेरिया में लार्वा ना बने, टर्बुलेरिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट यहां दोनों तरह का आपको मिलेगा, स्पाइलम में डायरेक्ट भी मिलेगा और इनडायरेक्ट भी मिलेगा। इनमें सब में आप जो देखेंगे, यहां तमाम लार्वा आपने पढ़े होंगे, मिरासीडियम है ना, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है। तो मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये मिलेंगे यहाँ पर। ऑन्कोस्फियर, हेक्साकेंट, ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस, ये लार्वा मिलेंगे। तो यहाँ पर इनमें आपको लार्वल स्टेज दिख रही है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। यहाँ पर हो सकता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा ना हो, सीधे डेवलपमेंट बाहर होता है, कोकून के अंदर से सीधे बन के निकलता है, तो वहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कैसा है? डायरेक्ट। और जहां लार्वा बनते हैं तो वो इनडायरेक्ट। जहां लार्वा बनते हैं, जब लार्वा बनने के बाद में मेटामॉर्फोसिस होती है, तो वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। टेपवर्म में हर सेट में टेस्टिस और ओवरी होती हैं, जो मेच्योर हो जाते हैं उनमें टेस्टिस ओवरी दोनों में होती है, ठीक है। जो टेपवर्म में जब मेच्योर हो जाते हैं उनमें दोनों में होती हैं। बाकी मेच्योर, इमेच्योर है ना, ग्रेविड, क्या क्या प्रोग्लाइटिड में क्या स्ट्रक्चर होती है, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे जब एक एक प्रोग्लाइटिड करके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी बात समझ में आई। यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ सेल्फ हो सकता है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ सेल्फ हो सकता है, यहाँ पर जो आपका है क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर सेल्फ भी हो सकता है। और ये जो है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये आप पॉइंट नोट करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो पैराटोनी आपको पता चल गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा आप याद रखेंगे, टेस्टिस मिलेंगे, ओवरी मिलेंगे। टेस्टिस की नली, वास्ट डिफरेंस, यानी टेस्टिस और उसकी डक्ट, टेस्टिस क्या है? गोनेड, और उसकी डक्ट गोनोडक्ट। ओवरी, उसकी नली ओविडक्ट। तो गोनेड और गोनेड की नली गोनोडक्ट, दोनों आपको देखने को मिलेंगे, गोनेड भी मिलेगा, गोनोडक्ट भी मिलेगी। तो गोनेड भी मिलेगा, गोनोडक्ट भी मिलेगी, और एक्सेसरी ऑर्गन भी मिलेंगे। एक्सेसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है? सहायक अंग, जो सहायता करते हैं, जैसे सेमिनल वेजाइकल है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, आपको महलिस ग्लैंड, तो और सहायक भी मिलेंगी। तो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो गोनेड मिलेंगे, गोनोडक्ट मिलेंगी, एक्सेसरी ऑर्गन मिलेंगी, ठीक है। और फीमेल में हम देखेंगे, जैसे इसमें हम ओवरी ओम बनाएगी, यहाँ पर फेसियोला में ओवरी क्या बनाएगी? ओम बनाएगी, ओवरी में ओम बनेगा, और साथ में वेटलाइन ग्लैंड होगी।
वेटलाइन ग्लैंड जो होंगी वेटलाइन ग्लैंड याक बनाएंगी। वेटलाइन ग्लैंड क्या बनाएंगी? याक बनाएंगी। तो वेटलाइन ग्लैंड जो होती है वो याक सेल को बनाती है। और अगर आपको ध्यान होगा इसका कुछ स्ट्रक्चर, जब इसका होगा ये ऐसे फर्टिलाइज अंडा जो होता है एक डिब्बे में बंद होता है और इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर ढक्कन लगा होता है, ये ढक्कन बोला जाता है ऊपर का ओपरकुलम। इस ढक्कन को क्या कहते हैं? ओपरकुलम। याद रखेंगे ये जो ऊपर ढक्कन बन जाता है इसे ओपरकुलम बोलते हैं। और यहां पर इसके अंदर ये फर्टिलाइज एग है। फर्टिलाइज एग मतलब जायगोट, ये जायगोट है। आप लोग जानते हैं अंडा होता है, अंडे के अंदर का साइटोप्लाज्म ऊप्लाज्म होता है, फिर स्पर्म आपके उससे मिल जाता है, एन एन मिलकर के 2N का जायगोट बन जाता है। और ये जायगोट का जो साइटोप्लाज्म है ये अंडे का ही साइटोप्लाज्म होता है, ऊप्लाज्म ही होता है। तो ये जो अंडा है निषेचित अंडा है, फर्टिलाइज एग है। ये कैसा अंडा है? फर्टिलाइज एग। इस फर्टिलाइज एग के अंडे के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ध्यान देंगे अंडे के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां याक नहीं है, यहां याक सेल्स बाहर होती हैं, बाहर। इसके साथ कैप्सूल की अगर स्ट्रक्चर आपको याद आ रही होगी तो यहां पर भरी रहती है याक सेल, याद करेंगे। तो अंडे के बाहर याक सेल होती हैं, जिस तरह से आप मुर्गी का अंडा देखते हैं वहां अंडे के अंदर याक है, कीट का अंडा देखते हैं वहां अंडे के अंदर याक है, सेंटर में है, वो सेंट्रल स्थल है। मुर्गी में क्या है? छोर पर है, टीलोल स्थल है, ज्यादा मात्रा में याक है, पॉलिल स्थल है। तो ज्यादातर आपने जो एग्जाम्पल देखे हैं उनमें अंडे के साइटोप्लाज्म में ही याक होता है। एक साइड में साइटोप्लाज्म हो गया, एक साइड में याक हो गया, तो एक तरफ वेजिटल हेमिस्फीयर, एक तरफ एनिमल हेमिस्फीयर बन जाता है। तो एनिमल हेमिस्फीयर वेजिटल हेमिस्फीयर बन जाते हैं, पोल बन जाते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल साइटोप्लाज्म के साथ ही तो याक होता है, यहां पर इस अंडे में साइटोप्लाज्म के साथ याक नहीं है, अंडे के अंदर याक नहीं है, याक सेल अलग से बनाती है विटलाइन ग्लैंड, या जिनको विटलेरिया बोलते हैं। तो विटलाइन ग्लैंड या विटलेरियम, विटलेरियम के द्वारा याक सेल बनाई जाती है। और इस तरह के इनको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के अंडों को क्या बोलेंगे जिनमें याक बाहर होता है? जो आपने मुर्गी का पढ़ा, कीट का पढ़ा है ना, ये जो बाकी अंडे आपने पढ़े थे वो जो अंडे हैं उनमें कैसा होता है? तो ध्यान देंगे इसमें चूंकि अंडे से बाहर अलग से याक सेल होती है, कैप्सूल, एग कैप्सूल होता है। इस पूरे को क्या कहते हैं? एग कैप्सूल। तो कैप्सूल होता है, इसके अंदर फर्टिलाइज हो गया, याक सेल हो गई। ये जो होता है आपका इस तरह के अंडे जिनमें साइटोप्लाज्म के बाहर याक सेल होती है, याक सेल, इनको बोलते हैं एक्टोलिस्थल, याद करेंगे। इनको कहते हैं एक्टोलिस्थल, नोट करेंगे एक्टोलिस्थल, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे सब लोग, ये एक्टोलिस्थल वाला क्या है, इसमें ठीक है कैप्सूल है, एक्टोलिस्थल है, यहां पर याक बाहर है। और जो मुर्गी में है, मेढक में है ना, इंसेक्ट्स में है, वहां अंडे के अंदर ही याक है, वो एग्जाम्पल है, वो अंडे है एंडोलिस्थल, वो है एंडोलिस्थल, ये है एक्टोलिस्थल, नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक्टोलिस्थल हो जाएगा, एक्टोलिस्थल, ठीक है। तो इसमें कैप्सूल होता है और उसी कैप्सूल में अंडा होता है, निषेचित अंडा, उसी के साथ याक सेल होती है। ऐसे अंडों को हम एक्टोलिस्थल कहते हैं। बाकी आप मेढक का, पक्षी का, चिक का है ना, जो पढ़े थे मुर्गी का अंडा, वो सब एंडोलिस्थल में आते हैं, ठीक। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सब हमने बता ही दिया, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, नहीं इंटरनल, ये नहीं कि शुक्राणु पानी में छोड़ दिया, अंडाणु पानी में, या बाहर शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर मिलते हैं, शरीर के अंदर मिलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्रॉस भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। यहां पर हमने बताया क्रॉस होता है, यहां पर आप देखेंगे सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, फीता क्रम में सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन सेल भी, यहां पर जब होगा तब क्रॉस ही होगा, यहां पर जब होगा तब क्रॉस होगा, फीता इसमें लीवर फ्लूइड में जब होगा तब क्रॉस ही होगा, इसमें सेल भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, दो के बीच भी हो सकता है, एक के बीच भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, फर्टिलाइजेशन की बात हो गई। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट हमने बताया टर्बुलेरिया में कैसा है, डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं है टर्बुलेरिया में, प्लेनेरिया डिजेसिया वगैरह में इनमें कोई लार्वा की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो लार्वा यात्रा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहां पर जो आप देखेंगे इनमें, तो यहां पर आपको लार्वा हमने बता ही दिए, मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्किरिया, बेटा सर्किरिया। ऐसे आप याद कर लीजिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है तो MS, महेंद्र सिंह धोनी को साठ में बोलते हैं MS, है ना। MS ने RCM कंपनी ज्वाइन कर ली, RCM एक कंपनी है, जैसे वो
चेन वाली कंपनी होती है जो बिजनेस वाली चेन बनाते हैं, वैसी कंपनी है आरसीएम, चाहे नाम सुना हो। तो महेंद्र सिंह धोनी ने आरसीएम ज्वाइन कर ली, क्रिकेट से रिटायर हो गए, आरसीएम ज्वाइन कर ली है ना। तो मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, फिर उसका रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटासर्केरिया। एमएस महेंद्र सिंह धोनी आरसीएम, दो शब्द याद रखिएगा, एमएस आरसीएम आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी तो लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो आपको सब याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल वीरेंद्र भैया, एक्टोल स्थल का मतलब याक आउट ऑफ एक्सेल, तो यहाँ याक बाहर है, एक्टोल स्थल है, एक्टोल स्थल, हाँ ध्यान देंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट यहाँ प्लेनेरिया में कैसा है, प्लेनेरिया में डायरेक्ट है, लार्वा वार्वा नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कई सारे लार्वा है, बहुत सारे लार्वा यहाँ पर है, ठीक है, लार्वा स्टेज है, अलग अलग लाइफ साइकिल हमने आपको बताई है कितने सारे लार्वा है। और इनके लार्वा में हम दो घटनाएं देखते हैं, दो घटनाएं बहुत हम ध्यान से देखते हैं। एक घटना देखते हैं पॉलीएम्ब्रियनी और एक घटना देखते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। हालांकि जब ये लिवर फ्लू पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे, लेकिन अभी आया है नाम तो बता देते हैं, पार्थिनो और पॉलीएम्ब्रियनी दोनों घटनाएं आपको यहां देखने मिलेंगी। पॉलीएम्ब्रियनी पहले लिखिए क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियनी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है, बिल्कुल पवन जी, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। जब भी हमने बताया इसमें जैसे आपको यहाँ प्लेनेरिया वगैरह देखेंगे कोकून बन जाता है, कोकून के बाद सीधे निकलता है उसमें से, तो डेवलपमेंट ज्यादातर यहाँ पर डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ज्यादातर यहाँ डायरेक्ट होता है। इनमें तो इनडायरेक्ट होता है, इनमें तो लार्वा बनते बनता है, तो इनमें यहाँ लार्वा बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए कई तरह के लार्वा बन रहे हैं, कई लार्वा, तो ये पॉलीएम्ब्रियनी, तो ये पॉलीएम्ब्रियनी यहाँ देखने को मिलती है, मैनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन लीवर फ्लू। तो इस घटना को क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियनी, याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियनी, नोट करिएगा सब लोग। तो पॉलीएम्ब्रियनी क्या है, कई लार्वल स्टेज होती है, मैनी लार्वल स्टेज होती है, ये पाई जाती है, सेवरल लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसको हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है। अब आपसे दूसरा बताया पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस लिखा नहीं आप लोगों ने कुछ, ना पॉलीएम्ब्रियनी लिखी ना पार्थिनोजेनेसिस लिखा, कमेंट में स्टॉप हो गए सब। वीरेंद्र भैया, और दूसरी चीज है यहाँ पर इसका मतलब क्या है वही चीज, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हालांकि भी आपको हम जो डिटेल से पढ़ाएंगे तब देखेंगे, वहां पर रेडिया है, स्पोरोसिस्ट है, उनके अंदर जर्म सेल्स होती है, जर्म बाल उनको बोलते हैं, जर्म बाल, वो जर्म सेल्स होती हैं और वो बिना फर्टिलाइजेशन के और नया लार्वा बना देती हैं, है ना, वो जर्म बाल होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। तो पता चला रेडिया है और रेडिया के अंदर जर्म सेल से और रेडिया बन गए, या फिर रेडिया है, रेडिया के अंदर जर्म सेल से सर्केरिया बन गए, रेडिया लार्वा के अंदर लार्वा बन गया, सोचो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के अगला लार्वा तैयार हो गया, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो यहां पर जो घटना है ये पार्थिनोजेनेसिस है, आप लोग पढ़ेंगे दोनों घटनाएं, आप लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियनी और पार्थिनोजेनेसिस। पॉलीएम्ब्रियनी का मतलब यहां पर कई तरह की लार्वल स्टेज है, मिरासीडियम, सर्केरिया, सॉरी मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, तो ये कई तरह की लार्वा से पॉलीएम्ब्रियनी कहा, और लार्वा के अंदर लार्वा बनेंगे, रेडिया के अंदर रेडिया बनेंगे, रेडिया के अंदर सर्केरिया बनेंगे, तो लार्वा के अंदर लार्वा बनेंगे, ये जर्म सेल से बनेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। आप लोग जो डिफिनेशन लिख रहे हैं वो जनरल डिफिनेशन लिख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसके कंसिडरेशन में आपसे लीवर फ्लू के, वहां पर आपको लिखनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक लिखा आप लोगों ने, लेकिन अब आप समझ गए होंगे इसमें पॉलीएम्ब्रियनी क्यों है, मैनी लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, पार्थिनोजेनेसिस क्यों है, लार्वा के अंदर लार्वा का डेवलपमेंट होगा, रेडिया के अंदर और रेडिया बन सकते हैं, रेडिया के अंदर सर्केरिया बन सकते हैं, कहां से, जर्म सेल से, जर्म सेल की बनी हुई जर्म बाल्स होती हैं वहां से। चलिए तो पॉलीएम्ब्रियनी हो गया। यहां जो लार्वा आपने देखा ऑंकोस्फियर, हेक्साकेंथ, सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस जो पिग के अंदर रहता है उसको मनुष्य खा लेता है, मनुष्य सिस्टी सर्कस को ही ब्लैडर वर्म कहते हैं, सिस्टी सर्कस को ही ब्लैडर वर्म कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब तो पता है आपको, अभी पढ़ाएंगे ही पूरा टीनियस वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हेक्साकेंथ हो जाएगा, सिस्टी सर्कस हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, ये फैसियोला जो है इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, डाइजेंटिक, भेड़ में है, सीप में है और घोंघे में, स्नेल में, तो डाइजेंटिक है। ऐसे कोई मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल बताइए, मोनोजेनेटिक
मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल लिखिए आप लोग, नहीं लिखा तो लिख देते हैं कहीं, मोनोजेनेटिक में लिखा था नाम कहीं, नहीं लिखा है लिख देते हैं। क्या करेगा? डिप्लोजून, डिप्लोजून, डिप्लोजून जो है वो मोनोजेनेटिक है, डिप्लोजून जो है वो मोनोजेनेटिक है। तो अगर मोनोजेनेटिक के पैरासाइट की बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा डिप्लोजून, डिप्लोजून कैसा है? मोनोजेनेटिक है, ठीक है। कमेंट करते रहिए सब लोग, पता चले वहीं पटक गई गाड़ी सब आप लोगों की है तो। हाँ, मोनोजेनेटिक कौन सा है? डिप्लोजून। डायजेनेटिक की बात तो आसान ही है, ये डायजेनेटिक है, सीप है, स्नेल है, ये डायजेनेटिक है, टीनिया में मनुष्य है और पिग है तो ये भी डायजेनेटिक है। एक होस्ट कौन? मनुष्य, प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट कौन? पिग। इसका प्राइमरी होस्ट कौन? सीप। सेकेंडरी होस्ट कौन? स्नेल। डिप्लोजून का मोनोजेनेटिक हो गया। एक ट्राइजेनेटिक है, ट्राइजेनेटिक का मतलब तीन होस्ट है, ट्राइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया? तीन होस्ट है। तीन होस्ट वाला लिखिए, तीन होस्ट वाला कौन सा होता है? तीन होस्ट वाला कौन सा होता है लिखिएगा आप लोग, फिर हम बताते हैं। चलिए तब तक नोट करिए आप लोग, जाग जाइए, कमेंट नहीं लिख रहे हैं। ट्राइजेनेटिक कौन सा होता है? रिजेनरेशन, रिजेनरेशन की बहुत ज्यादा पावर है, हमने बताया था। काट देंगे जितने, अगर इसके काट देंगे आगे का पीस, उससे पीछे का भाग बन जाएगा, ये पीछे का टुकड़ा, इसमें आगे सिर बन जाएगा। अगर बीच का टुकड़ा ले लेंगे तो उसमें इधर आगे सिर बन जाएगा, पीछे का भाग बन जाएगा। तो चाहे इसके तीन टुकड़े कर देंगे तो तीन प्लेन एरिया बन जाएंगे, दो टुकड़े कर देंगे तो दो प्लेन एरिया पूरे बन जाएंगे, तीन टुकड़े कर देंगे आगे के टुकड़े से एक प्लेन एरिया, पीछे के टुकड़े से एक प्लेन एरिया और बीच के टुकड़े से भी एक प्लेन एरिया बन जाएगा। तो बहुत तगड़ा रीजनरेशन है, काफी ज्यादा रीजनरेशन पावर है। या कमेंट हमें नहीं आ रहे, या कमेंट बंद हो गए जरा, कमेंट क्यों नहीं आ रहे, कमेंट बंद कहा हो गए भाई? कभी ऐसा हो जाता है कि रुक जाते हैं तो आप लोग लिख नहीं रहे क्या भैया? आवाज आवाज देख लो, क्लियर विलियर है कि हम बताते जा रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो ये बात हो गई किसकी? रीजनरेशन की। बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर है। एपिमॉर्फोसिस आपने हमको, हमने आपको बता ही दिया था, और बॉडी सेगमेंट अलग अलग भागों में बता सकता है, ठीक है। तो ये मेन मेन तरह के हमारे जो सारे हो गए हैं, सारे जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपके लगभग लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी एग्जाम्पल वगैरह बचते हैं, वो भी जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब सारे एग्जाम्पल बता ही देंगे वहाँ पर कौन कौन से एनिमल हैं, क्या है, तो वहाँ तो पूरा क्लास आर्डर तक सब पूरा तैयार ही करेंगे, ठीक है। तो वहाँ की बात वहाँ रखी जाएगी। आप लोग लग रहा है थक गए हैं और आप लोगों का आंसर आया नहीं, अरे अच्छा आपके कमेंट आने लगे हैं। चलिए, ट्राइजेंटिक नहीं पता है तो ट्राइजेंटिक नोट कर लीजिएगा। ट्राइजेंटिक आप लोगों को नहीं पता है, नहीं पता नहीं पता, ट्राइजेंटिक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना। ट्राइजेंटिक का मतलब क्या हो गया? तीन होस्ट। ट्राइजेंटिक का मतलब क्या हो गया? जिसके तीन होस्ट। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल, यहां लिख देते हैं। एक किसी ने बताया था शुरुआत में ऑपिस्थार्किस, इसे बोलते हैं ऑपिस्थार्किस, नोट करिएगा ऑपिस्थार्किस, एग्जाम्पल नोट करिएगा ऑपिस्थार्किस, ओ पी ओ पी आई एस टी एच ओ आर सी एच आई एस R C H I S, ऑपिस्थार्किस, O P I S T H O R C H I S, ऑपिस्थार्किस जो होता है ये ट्राइजेंटिक होता है। थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है ऑपिस्थार्किस में। जैसे मनुष्य के अंदर रह रहा है एडल्ट, मनुष्य से अंडे निकले, ठीक है, वो अंडे किसने खा लिए? स्नेल ने, घोंघे ने खा लिए। मनुष्य से किसमें गया ये? पहले स्नेल में गया, फिर उस स्नेल से जो सर्केरिया निकला ना, सर्केरिया, वो फ्रेश वाटर फिश में गया, मछली में, मछली के अंदर सिस्ट बना ली। फिर उस, जैसे जो इसमें आके जो लीवर फ्लूक में जो था सरकेरिया, वो सरकेरिया कहाँ चिपकता था? पत्ती पर, और पत्ती के ऊपर चिपका रहता था, भेड़ पत्ती खाती थी, पत्ती के ऊपर क्या चिपका रहता था? मेटा सरकेरिया भेड़ में पहुंच जाता था। वो कहानी है किसकी? लीवर फ्लूक की। अपिस्थार्किस में क्या है? अपिस्थार्किस में मनुष्य से निकला,
स्नेल में गया, स्नेल से निकला फ्रेश वाटर फिश में गया और उस मछली को खाया इंसान ने, तो फिर इंसान में पहुंचा, यानी इंसान ह्यूमन फिर स्नेल और फिर फिश तीन में गया, तो ये ट्राइजेनेटिक पैरासाइट है अपिस्थार्किस। और अपिस्थार्किस को बोलते हैं चाइनीज टेपवर्म, याद करिएगा इसी को क्या बोलते हैं चाइनीज लीवर फ्लूक लिख देते हैं, इसको बोलते हैं चाइनीज लीवर फ्लूक। आजकल चाइनीज ज्यादा लोग खाते हैं, हालांकि मछली से हो रहा है, तो चाइनीज लीवर फ्लूक। ठीक, चलिए ह्यूमन स्नेल फिश, अरे वाह वेरी गुड, दिनेश चंद जी ने बिल्कुल बना दिया तीनों। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग पूरे हो चुके हैं, फिर आगे डिटेल से स्टडी करते हैं एक जीनस की, एक स्पेसिमेन की, फिर इसका फाइलम, क्लासिफिकेशन लास्ट में धीरे धीरे पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक का काम सिलेंटेट आप लोग पढ़ करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करके, आपके पास जो भी बुक है, आर के पिल्लई है, विशाल है, एनसीईआरटी फिंगर टिप है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है, पूरा सिलेंटेट सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद क्वेश्चन जो ना सॉल्व हो, जहाँ पे डाउट हो, वो हमें व्हाट्सएप पे सेंड करते रहिए, महारिविजन क्लास लगेगी तब उसमें देखेंगे, बाकी आगे फिर पढ़ाएंगे, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड नाइट।